गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे ग्रिफिन कप के सेमीफाइनल डे टू में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा आज का पहला मैच होने वाला है सैन हॉक का। 64 प्लेयर्स इस लॉबी में, टोटल 17 टीम्स। एंड यहाँ पे गाइस आज चार मैच हमारे लगातार होने वाले, तो थिंग्स आर अबाउट टू गेट इंटेंस। यहाँ पे जल्दी से हम अपने फ्लाइट पाथ की अगर बात कर लेते हैं गाइस, तो खाओ से शुरू होता है तेंबांग तक जा रहा है हमारे फ्लाइट पाथ। इस फ्लाइट पाथ पे हमें पैराडाइज रिजॉर्ट, हातिन कैंप, अल्फा बूट कैंप, क्वेरी पाइनान एंड रूइंस जैसी जगह दिखाई दे जाती है। काफ़ी नज़दीकी लोकेशंस जो है हमारे इस फ्लाइट पाथ की। एक बार जल्दी से स्लॉट लिस्ट भी देख ली जाए। ये रही गाइस हमारी सारी आज की टीम्स। टीम एलिमेंट जी एल कोरियन, आर डी ई एक्स टी, एम जी एम शिकारी, आई एफ एस एक्सी, एस एस जी, टीम स्पेस रूक्स, वी ई जिंदी एंड ऑफकोर्स हमारी ग्रिफिन टू की टीम। टीम्स यहाँ पे कूद चुकी हैं अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशंस की तरफ। एंड यहाँ पे ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी बूट कैंप नहीं उतरा, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे सैन हॉक के जब भी हम लोग मैच खेलते तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई बूट कैंप उतरेंगे। बट ऑफकोर्स ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर दीज टीम्स, तो यहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा अपनी, मतलब कोई भी भूल नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे, तो इसी वजह से आराम से कामली खेलेंगे, सेफ लोकेशन पर ड्रॉप लेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारी M4 यूर की टीम एंड एक्सी यश ने गाइस अपनी DMR से EXT के प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया। आई थिंक येती वाईटी को यहाँ पे नॉकआउट किया गया था। यस, यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिए गए हैं येती वाईटी। तो अर्ली गेम में यहाँ पे बहुत ही अर्ली स्टेज में, मतलब आई गेस सारी टीम्स अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ कूदी भी नहीं थी। एंड टीम एक्सी ने यहाँ पे हल्ला भी बोल दिया है, पहला किल यहाँ पे कंफर्म कर दिया हमारी एक्सी की टीम। एंड EXT के प्लेयर्स ने यहाँ पे पहला ही अपना एक प्लेयर लूज कर दिया है, तो ये एक स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई हमारी EXT टीम के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे ना खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा अर्ली फेज के गेम में अगर आपके प्लेयर्स नॉकआउट हो जाए तो फिनिश होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लगती है। खैर यहाँ पे G2 के बैडस ओपी को फिनिश ऑफ कर देंगे। एंड MGM के प्लेयर्स भी यहाँ पे लेते हुए फाइट, पर जल्दी से पहले यहाँ पे एक्जी को देखने जाऊँगा। MGM ऑफ टेल्स यहाँ पे एक नॉक और निकालते हैं एंड फिनिश ऑफ भी कर देंगे जिंदी लूसिफर को। गाइस G2 के बिल्ला ओपी यहाँ पे 4FC फेकर बॉट को नॉकआउट कर देगा। जल्दी से G2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक्जी रात ने EXT स्केरी को जैसी नॉकआउट किया, मैंने लोकेशन चेंज कर दी, बट यहाँ पे G2 की टीम रशन करती हुई एंड फिनिश ऑफ कर देगी 4FC फेकर बॉट की टीम को। M4 यूर भी यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए, तो यहाँ पे G2 की टीम ऑफकोर्स एक प्लेयर को लूज जरूर कर जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे उनको दो किल्स और मिल चुके हैं। चलते हैं टीम शिकारी की तरफ, क्योंकि MGM के साथ ये लोग तब से फाइट ले रहे हैं। MGM के दो प्लेयर्स को नॉकआउट निकालने में सक्षम भी रहे हैं। ये वाली फाइट बड़ी देर से चल रही थी, हम देख नहीं पाए थे, बट ब्लेज वाइटी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉट्स पड़े। 10 HP उनको डाउन कर दिया गया है। एक्जी यश ऑन दी अदर एंड फिर से EXT जिक्सॉ को नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हुए। गाइस काफ़ी ज़्यादा फाइट, मतलब अर्ली फाइट से मेरे को ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। नट क्रैकर लॉल ऑन दी अदर एंड यहाँ पे शिकारी वॉइड को कर चुके हैं स्पॉट ऑफ डेल्स एंड नो चांस नॉकड आउट हैं। एंड दूर भी हैं अपने टीम मेट से, यहाँ पे रिवाइव आई डोंट थिंक सो मिल सकता, बट शिकारी भारत गाइस यहाँ पे कर देंगे नॉकआउट नट क्रैकर लॉल को। MGM ब्लेज वाइटी लास्ट प्लेस से यहाँ पे, बट आई गेस रिटेलिएट फायर का मौका भी नहीं मिला। एंड तुरंत ही यहाँ पे शिकारी के प्लेयर्स ने FNF साम्यक फिनिश ऑफ कर देंगे ब्लेज वाइटी को। टीम MGM यहाँ पे एलिमिनेट होती है बहुत जल्दी, मतलब अर्ली फाइट मुझे लगा नहीं था हमें सैन हॉक के मैच में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 17 टीम्स के साथ हमने स्टार्टिंग की थी एंड दो टीम्स बहुत ही अर्ली फेज में फिनिश ऑफ हो गई। खैर गाइस यहाँ पे 51 प्लेयर्स लाइव हैं अभी, तो देखते हैं यहाँ पे सैन हॉक का मैच कैसे जाना है। अभी तो पहला जोन ही हमारा आप लोग अगर देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड शिफ्ट हुआ है, काफ़ी सारी टीम जोन में है। कई टीम जैसे कि एलिमेंट हो गई हमारी, देन G2 की टीम भी हो गई यहाँ पे जोन के काफ़ी बाहर है, बट यहाँ पे RD सीनियर को नॉकआउट कर दिया गया है। एक यहाँ पे आई गेस सरप्राइज अटैक उनको मिल गया। देखते हैं यहाँ पे, अभी तो काफ़ी दूर हैं अपने टीम में से जिंदी के प्लेयर्स, ऑलरेडी अर्ली फेज में गेम के अपने दो प्लेयर्स को लूज़ कर चुके थे, बट यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा देख के खेलना चाहेंगे। जो भी प्लेयर को नॉकआउट करेंगे कोशिश करेंगे उन्हें फिनिश ऑफ कर सके, ताकि किल्स धीरे धीरे करके बटोर सके। ऑफकोर्स यार अब हम सबको पता है कि किल्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो
चिकन भी मार लेगा को यहाँ पे स्पॉट जूट किया गया। इन्होंने लो भी किया सीनियर, यहाँ पे बहुत जल्दी ब्लीड आउट होते, लेकिन पनवर यहाँ पे आ चुके अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। एक बार जिंदगी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो ही प्लेयर्स है, 2v4 की फाइट है, कंपाउंड्स में एक्चुअली है ज़रूर, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जिंदी यश यहाँ पे ऑड्स को इवन करने की पूरी कोशिश करते हुए सीनियर को यहाँ पे कर देंगे डाउन वापस से मौली से। सीनियर की एक्चुअली हेल्थ बहुत ही ज़्यादा लो थी और मौली हल्की सी भी टच हुई एंड वहाँ पे हो जाएंगे नॉकआउट। आरडी राजू ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे थर्ड पार्टी होती हुई टीम आरडी की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शिकारी के प्लेयर्स पीछे से आ चुके हैं एंड सीनियर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया सम्यक के हाथों। जिंदी मार लेगा भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं गाइज। आई डोंट नो यहाँ पे शिकारी के प्लेयर्स एकदम से कैसे जो कहते हैं धप्पा देना, वो यहाँ पे एकदम से आई डोंट बिलीव इट कहाँ से आ गए। यहाँ पे तीनों प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट में हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आगे तरफ रशिंग करते हैं शिकारी के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जिंदगी के एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिए। आरडी के भी यहाँ पे एक प्लेयर नॉकड आउट हैं, सीनियर को अभी यहाँ पे सम्यक ने फिनिश ऑफ किया था। 5 kills ऑलरेडी गेम के इतने अर्ली फेज में ले चुके, तो आप लोग सोच ही सकते हैं क्या ही मोरल बूस्ट हुआ होगा इन लड़कों का। आगे तरफ यहाँ पे समिट जा रहे हैं, भारत एक्चुअली फ्रंट फुट में है, अभी प्रोन डाउन है, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एनिमी को स्पॉट कर लें। आरडी के प्लेयर्स अभी नॉकड आउट है। राइट हैंड साइड पर हमें जिंदगी के प्लेयर्स दिख जाते हैं जो कि फॉल बैक कर रहे हैं। राजो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ब्लीड आउट हो रहे हैं एक पेड़ के पीछे कवर में, बट आई डोंट थिंक सो उनके प्लेयर्स अभी उन्हें रिवाइव दे पाएंगे, यानी फिजन नूब सबसे ज़्यादा क्लोज है उनके। पनवर ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अभी भी कंपाउंड में। खैर यहाँ पे IFC द स्कॉन ने M416 से दे दिया एक नॉक एंड फॉलन OPYT ने SSG हाइप OP को फिनिश ऑफ भी कर दिया। तो टीम SSG अपना पहला प्लेयर यहाँ पे लूज करती हुई चलते हैं टीम SSG की तरफ। आर्टिफिशियन नूब भी यहाँ पे नॉकआउट निकालते हुए शिकारी के प्लेयर्स का, देखेंगे उधर की तरफ भी जल्दी से SSG एसिड ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए। आर्डी राजो फिनिश ऑफ होते हुए सम्यक ने यहाँ पे विजन को भी नॉकआउट कर दिया है गाइस। शिकारी की टीम बहुत ही प्यारा खेलती हुई यहाँ पे विजन नूब को नॉकआउट एंड फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। टीम आर्डी से लास्ट प्लेयर अब यहाँ पे बचे हैं हमारे पनवर जो कि कंपाउंड में थे। ये इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल गया यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली कंपाउंड में थे, लोकेशन इन्होंने अपनी रिवील नहीं की, तो वहाँ पे शिकारी के प्लेयर्स का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया, इसलिए यहाँ पे फॉल बैक कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली 3 players को लूज़ कर चुके हैं, सोलो ही अब गेम में आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड गाइस सैनहॉक के मैच में आपको पता है 4v4 का मैप है, इसमें आप लोग इतना ज़्यादा कवर हमको मिलता नहीं है। ऑफकोर्स प्रोन डाउन यहाँ पे आप हो सकते हो, स्नेक्स यहाँ पे इसलिए इतने ज़्यादा क्योंकि ग्रास एरिया बहुत होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतनी अच्छी फाइट आप नहीं ले सकते जब आप एंड में सोलो ही बचे हैं। खैर शिकारी की टीम की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी तीनों प्लेयर्स स्टैंड करते हैं, 2 players यहाँ पे आरडी के और फिनिश ऑफ किए, तो 7 kills यहाँ पे बटोर चुके हैं अपनी टीम के लिए। मुझे लगा मेरा ऑडियो कैप्चर नहीं हो रहा। खैर गाइस यहाँ पे जोन हमारा सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट ऑफ हुआ है, सेकंड जोन भी को यहाँ पे हार्ड शिफ्ट देखने को नहीं मिला। शिकारी टीम जिंदगी के काफ़ी क्लोज है, आई गेस अभी तो यहाँ पे फाइट नहीं ले पाएंगे। आरडी पनवर को जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा फॉल बैक कर चुके हैं, तो शिकारी के प्लेयर्स अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पाएंगे। G2 की बात की जाएगा, यहाँ पे ग्रिफिन 2 की टीम बहुत ही लंबा फ्लैंक मारती है, आई गेस बिल्कुल भी यहाँ पे ये लोग चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, अपनी बोट लेके चुपचाप बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना, बिल्कुल किसी भी हद तक चले जाएंगे हम लोग गेम में आगे बढ़ने के लिए, वही है गाइज यहाँ पे G2 के प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं। यहाँ पे SSG की टीम की बात की जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं हमारे। 3 teams का यहाँ पे मुझे क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं, एक्सट्रैक्शन भी मुझे दिखाई दे रही है, देन हमारी आई गेस T4E की टीम भी है यहाँ पे। अभी तो एक्सट्रैक्शन के प्लेस काफ़ी दूर है, मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं दूसरे ही मिड आइलैंड में, बट उनको अभी आई गेस कोई भी प्लेस स्पॉट ऐसे नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑफकोर्स रेंडरिंग भी यहाँ पे उतनी दूर आई गेस ठीक से नहीं हो पाएगी। बात की जाए टीम T4E की, यहाँ पे चारों प्लेयर्स अलाइव हैं। जॉर्डन मानव कहाँ है, ओके बाइक में अभी तो अपने टीम से काफ़ी दूर है एंड यहाँ पे ब्रिज के पास आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी टीम नंबर 21 आई गेस मुझे अभी स्पॉट हुई है इनके पास, यस यहाँ पे टीम नंबर 21 ही है। टीम रूक्स हमारी यहाँ पे, रूक की बात जैसी करी गई, ब्लैक डॉट ने यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया है हमारे IFS के एस का,
कॉलोनी की तरफ जाते हुए रशिंग किया है, थोड़ी शॉट करने की कोशिश की, एक एम का बहुत ही प्यारा फायर दिया बट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाए। काफी अच्छा यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से कोशिश कर रहे हैं। भी काकू ओपी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे आई एफ एस एस को, यहाँ पे पहला यहाँ पे पहला किल कन्फर्म करती हुई ये टीम अभी भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे आगे नहीं जा रहे, स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन राइट साइड से यहाँ पे। लेकिन तब तक थर्ड पार्टी की आई गेस गुंजाइश हो चुकी है। यस यहाँ पे कुंजी ने कर दिया है नॉकआउट एंड फिनिश ऑफ भी कर देंगे। एस एस जी के प्लेयर्स की भी यहाँ पे फाइट हो रही है। ऑन दी अदर एंड कॉल मोपी वाई टी नॉकड आउट है, यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर देंगे कुंजी। बहुत ही प्यारा गेम प्ले खेल रहे हैं। M762 पहले M16 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन इनके हाथों में। यूट्यूब सिंस टीवी ऑन दी अदर एंड अभी भी अपने कंपाउंड में सेफ रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं खेल रहे, उन्हें पता है बाहर की तरफ जाएंगे तो फिनिश ऑफ हो सकते हैं। आई एफ एस की टीम से यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे हैं। लेट्स सी हाउ द गेम गोस। यहाँ पे कुछ जी अंदर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे चिकन देखे क्या प्यारा, यहाँ पे एक एम का शॉट किया बहुत प्यारा, फिर से फ्री फायर करिए तो क्या प्यारे हुए, लेकिन नहीं रूक चॉम यहाँ पे अंदर घुस के एक एम से कर देंगे फिनिश ऑफ। गाइस यहाँ पे एक टीम और हमारी फिनिश ऑफ होती हुई गेम से। अच्छा गेम प्ले था, मतलब काफ़ी अच्छी कोशिश यहाँ पे आई एफ एस के प्लेयर्स की थी, जो एंड में जो डोर टू डोर फाइट थी बहुत अच्छी ली थी, वहाँ पे रुक्स के कुंजी को नॉकआउट कर दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जैसे ही ब्लैक डॉट अंदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। खैर एक्जी के प्लेयर्स यहाँ पे फाइट ले रहे हैं गाइस, अब जल्दी से टीम एक्जी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी टी फोरी के साथ फाइट ले रहे हैं, टी फोरी के प्लेयर्स ने यहाँ पे एक्जी नट क्रैकर को नॉकआउट जरूर किया। रात यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपनी म्यूटेंट से टपाटप स्प्रे देने की। एंड यहाँ पे एसएसजी के प्लेयर्स ने गाइस एक ही फ्रैग से, यहाँ पे एक फ्रैग से ऑलमोस्ट दो प्लेयर्स को एक साथ नॉक मिला है, तो एसिड एंड मर्सी यहाँ पे टीएल के प्लेयर्स की तरफ अटैक करेंगे एंड यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे। मर्सी एंड एसिड डेडली डुओ, डिस्ट्रक्टर डुओ यहाँ पे चार किल्स कन्फर्म करते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस टीम के द्वारा प्रदर्शन हमें देखने को मिलता हुआ। 13 टीम्स अलाइव, टोटल 39 प्लेयर्स एंड जोन सेंट्रलाइज्ड ही जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी हार्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला, पहला जोन हम लोग कह सकते थे कि हार्ड शिफ्ट हमें देखने को मिला था क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड जा चुका था, बट अभी भी यहाँ पे सारी टीम जोन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफकोर्स थोड़ा हम लोग कह सकते ना हाथिन एंड कैंप अल्फा वाला जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा जोन में निकल गया, तो ये एक टीम्स को दिक्कत हो सकती है। खैर एलिमेंट के क्लॉस को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया है मिस्टर विज़र्ड ने, यहाँ पे एलिमेंट कब्रू नॉकआउट कर देंगे हमारे टीम नंबर 11 के एक और टीममेट को मिस्टर ऑफ आई गेस। ये टीम एक मिनट गाइस मैं आपको ड्रोन व्यू से दिखाता हूँ, यहाँ पे क्रूड्स की टीम आई गेस ये है। फॉगी ओपी ऑन दी अदर एंड यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं जग ओपी को रिवाइव दे पाए किसी तरह, एक नॉक निकालने की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। फ्रैग किया गया एलिमेंट कब्रू की साइड बट यहाँ पे कनेक्ट तो नहीं हो पाया, काफ़ी अच्छी कोशिश। स्टिल होल्डिंग देयर पोजिशंस नीचे ब्रिज के पास है, तो कवर आई गेस हम लोग कह सकते हैं इनके पास कवर अच्छा खासा है, थोड़ा रिच का भी एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन जोन से दूर हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉगी ओपी ऑलरेडी जोन की तरफ निकल चुके। स्पाइट 14 यहाँ पे एक हल्की सी रिज के पीछे बैठे, आई डोंट नो ये रिज मैंने पहली बार देखी है बट काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन इस हल्की सी बहुत छोटी सी रिच की वजह से काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। एलिमेंट के प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपने एक टीममेट को खो चुके, लेकिन अब जोन में भी इन लोगों को आना होगा, इन सबसे फास्टेस्ट तरीका यहाँ पे थ्रू ब्रिज ही होने वाला है, देखते हैं। बट स्टिल यहाँ पे 13 टीम जलाए हुए यार, 38 प्लेयर्स हैं, तो ऑफकोर्स हमें एंड में भसड़ देखने को ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जोन भी शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, एसएसजी के प्लेयर्स को मैं पैराडाइज की तरफ देख रहा हूँ, धीरे धीरे करके वो भी जोन की तरफ आ रहे। G2 की टीम की बात कीजिए तो सिल्वेस्टर वाइटी अपनी टीम्स को यहाँ पे गाइड करते हुए एंड बिल्कुल नॉर्थ एंड साइड लेके जा चुके हैं हाथ इनके आउटस्कर्ट्स पे, तो ये टीम भी अभी सुरक्षित है, जिंदी हमारी कैंप अल्फा के मेन कंपाउंड्स में होल्ड करती हुई, तो इन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आरडी पनवर की बात की जाए यहाँ पे तो पीछे की साइड यहाँ पे क्रूड्स के प्लेयर्स के लिए यहाँ पे दिक्कत बन सकते हैं, सोलो प्लेयर ही हैं बट आई गेस यहाँ पे वो बिल्कुल भी अननेसेसरी फाइट में एंगेज नहीं होना चाहेंगे। चलते हैं यहाँ पे एक बार T4E एंड टीम रूक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्जी की टीम दिखाई दे रही है, टीम यहाँ पे टीम्स का गाइज मैं कह रहा था आपको क्लस्टर दिखाई दे रहा है एंड उसी दौरान यहाँ पे T4E मानव को नॉकआउट कर दिया गया है एक्जी के प्लेयर्स के हाथ। M24 की यहाँ पे मानव को चटकी मिलती हुई, लेवल 3 का हेलमेट ऑफकोर्स यहाँ पे डैमेज हो चुका है उनका, 60% डैमेज है बट अभी भी हेलमेट है, तो यही फ़ायदा होता है लेवल 3 हेलमेट का कि
ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड लेकिन ओम की चटकी बढ़ जाए तो आप कोई भी लेवल का हेलमेट पहन ले, आपका हेलमेट बचने नहीं वाला। आर डिपन वर ऑन दी अदर एंड गाइज, यहाँ पे IMG जग ओपी को नॉक एंड फिनिश ऑफ करेंगे। यही गाइज मैं आपको कह रहा था कि आर डी पनवर एक दिक्कत बन सकते हैं इस टीम के लिए, एंड वही हुआ। यहाँ पे जोन गेट कीप करके बैठे थे, बहुत ही प्यारा M4 का स्प्रे देके यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ किया, मतलब बचने की कोई गुंजाइश ही यहाँ पे इस प्लेयर ने नहीं छोड़ी। काफ़ी नाखुश होंगे यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर्स अपने एक प्लेयर को बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम में कहूँगा यहाँ पे मिस आउट कर दिया। एंड में आपके पास जितने प्लेयर्स अलाइव होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब बाकी टीम्स को भी कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन एलिमेंट का अप्रूव विद दैट इनक्रेडिबल M4 स्प्रे, यहाँ पे प्रोन डाउन करके उन्होंने फॉगी को स्प्रे किया एंड यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं फिनिश ऑफ करने की। स्पाइस ऑन द अदर एंड यहाँ पे स्मोक कर चुके हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने टीम मेट को बचाने की, बट यहाँ पे आई गेस स्पाइट बचाने में सक्षम जरूर करेंगे। अभी भी यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं, नहीं यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट हुए, यस स्पाइट को थोड़ा सा यहाँ पे शॉट्स जरूर कनेक्ट हुए, 10 HP डाउन कर दे, बट एक्सट्रैक्शन के अभी ने गाइस ऑन दी अदर एंड यहाँ पे एक नॉक जरूर निकाल दे। चलते चलते EXT अभी के पास, ये रहे हमारे अभी सोलो ही प्लेयर बचे हैं अपनी टीम से, एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी के थ्रू आ रहे थे SSG के प्लेयर्स। मर्सी को काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा, बट एसिड लास्ट प्लेयर बचे, लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट मारते हुए क्या यहाँ पे एसिड को स्पॉट कर लिया होगा। AKM-66 चला रहे हैं वो भी, यहाँ पे दोनों ही 7.762 की गन है, आगे तरफ रशिंग करते हुए जिगल देते हुए जा रहे हैं, क्राउच किया यहाँ पे वापस स्प्रे किया है एंड यहाँ पे क्या प्यारा 1v2 करते हुए हमारे एक्सट्रैक्शन के अभी बहुत ही प्यारा। चलते हैं टीम रूक्स की तरफ क्योंकि एक्जी के प्लेयर्स यहाँ पे नॉकआउट करते हुए ब्लैक डॉट को अभी अभी DMR SKS से नॉकआउट किया गया है। रिवाइव देते हुए ही स्टिल स्टैंडिंग रूक्स के प्लेयर्स को यहाँ पे आई गेस ब्लैक डॉट का ये दूसरा नॉक है, बट स्पाइट ने जिंदी मार लेगा को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया एंड जिंदी यश को भी फिनिश ऑफ कर दिया है स्पाइट 14 ने। तो एक और यहाँ पे जिंदी की टीम गेम से बाहर होती हुई। चलते हैं स्पाइट की, स्पाइट के अगर यहाँ पे बात की जाए अभी भी यहाँ पे होल्ड करें पनवर को यहाँ पे स्पॉट किया क्या, बट ऊपर की तरफ से शॉट्स पड़ते हुए शिकारी वॉइड यहाँ पे M416 का स्प्रे देते हुए राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। यहाँ पे पता था कि ऑफ गार्ड यहाँ पे होंगे स्पाइट एंड उन्हें बचाया नहीं जा पाएगा, बहुत ही ज़्यादा ओपन में थे। नॉकआउट जरूर कर दिया गया है बट यहाँ पे कोरियन मैड मैक्स भी SYC के हाथों नॉकआउट होते। चलते हैं इस टीम की तरफ भी क्योंकि मुझे टीम स्पेस एक भी बार मुझे फील्ड में ज़्यादा दिखाई नहीं थी एंड यहाँ पे स्टिंग कोरियन मिस्टिंग को भी नॉकआउट कर देंगे। टीम कोरियन यहाँ पे दिक्कतों में पड़ती हुई, दो प्लेयर्स को ऑलरेडी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। 99 स्टिंग बाहर की तरफ आते हुए बुलडॉग ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया कोरियन मिस्टिंग को, ऐसे भाई को यहाँ पे नॉकआउट किया गया बट पीछे से थर्ड पार्टी होती हुई 99 स्टिंग यहाँ पे एलिमेंट थे वो पी के हाथों नॉकआउट होते हुए एंड फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे। तो एलिमेंट के प्लेयर यहाँ पे स्पेस के साथ थर्ड पार्टी करते हुए कोरियन की टीम अब भी बाहर है। यहाँ पे बुलडॉग अभी भी बैठे हुए FAQ कॉर्ड ऑन द अदर एंड अभी भी बाहर की साइड है, अपने प्लेयर्स को रिवाइव जरूर दे रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो अभी तक एलिमेंट के प्लेयर्स ने यहाँ पे स्पॉट कैसे नहीं कर पाए। कोरियन स्ले को भी यहाँ पे रिवाइव मिलता है, 1v1 जॉर्ड ने भी यहाँ पे एक नॉक निकाले। शिकारी भरत ऑन द अदर एंड स्केरी BTD के हाथों नॉकआउट होते हुए। बात की जाए हमारी ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स की तो यहाँ पे BR टीम लेके आराम से मस्त बैठे हुए, उन्हें कोई दुनियादारी की चिंता ही नहीं टीम स्पेस की। यहाँ पे अब आई गेस फाइट होने वाले कोरियन के फाइट अभी तक रुक चुकी थी, बट वहाँ पे अगर हम बोले तो बहुत ही प्यारा नॉक निकाले थे हमारे 99 स्टिंग ने अगर आप लोग को याद रहता तो। बट वो ब्लैक डॉग यहाँ पे G2 के सिल्वेस्टर वाइटी को नॉकआउट कर देंगे। M416 से यहाँ पे BRDM की तरफ शॉट्स पड़ते हुए बाहर की तरफ प्लेयर छूटते हुए M4X यहाँ पे स्प्रे किया लेकिन नहीं, यहाँ पे एक प्लेयर हो चुके हैं नॉकआउट और बेलोपी को नॉकआउट कर दिया गया। G2 के AP सर लास्ट प्लेयर बचे हैं, उन्हें भी रूक चॉम कर देंगे फिनिश ऑफ कार ब्लास्ट में। तो यहाँ पे BRDM आप लोग बहुत ज़्यादा BRDM के भरोसे नहीं रह सकते। शिकारी यहाँ पे वॉइड ने एक और नॉक निकाल दिया है। चलते हैं टीम शिकारी की तरफ क्योंकि अभी अभी इन्होंने 1v1 जॉर्ड को नॉकआउट किया है। शिकारी वॉइड यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ होते हैं, टीम बोली मानव के हाथों एंड मानव ने यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया है। जोन से हो चुके हैं नॉकआउट, स्केरी BTD पीछे लास्ट प्लेयर बचे हैं FNF के सामने यहाँ पे बचे हैं, पीछे की तरफ से फिनिश ऑफ करने की कोशिश बट यहाँ पे दिक्कत होती हुई, यहाँ पे M4 का स्प्रे तोड़ा इन्होंने, गड़बड़ कर दिया था बट एनीवेज फिनिश ऑफ करने में सक्षम रहेंगे। कोरियन स्ले पे होते हुए नॉकआउट फिर से यहाँ पे हमारे स्पेस जिहादी के हाथों, पीछे से शॉट पड़ते हुए जिहादी को एंड यहाँ पे बोल्ट एक्शन जरूर पड़ी इनको। अब 40 HP डाउन हो चुके हैं बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग।
नहीं भाई, हमें नहीं करना काम। स्पेस जैगुआर ऑन दिए ट्रेन पे, स्ले बाई को फिनिश ऑफ करते हुए अपने मॉली से। भाई इनक्रेडिबल गाइस, आप लोग देख सकते हो यार, क्या ही खतरनाक गेम चल रहा है यहाँ पे। सारे प्लेयर्स मतलब मार धाड़ देंगे, हमें जीतना है किसी तरह, पोजीशन लाने की पूरी पूरी कोशिश। यहाँ पे स्केरी बीटीडी जोन के बाहर से आ रहे हैं, स्पेस याद ही ऑन दिए दे रहे हैं, एग्जी के रात को नॉकआउट करते हैं। बीटीडी स्केरी यहाँ पे जोन से हो जाएंगे फिनिश ऑफ। एग्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन में आ चुके थे, आप लोग देख सकते हैं, एंड अपने टीम मेट से भी दूर हैं। तो ये एक आई गेस ओवर कमिट कर गए, या आई डोंट नो, बट एग्जिस्टेंस को यहाँ पे एग्जिस्टेंस रात को यहाँ पे बचाने की ज़रूरत है। चारों प्लेयर्स अभी भी अलाइव है, एलिमेंट की टीम से देव वो भी मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बट स्पेस की बात की जाएगा इस तीनों प्लेयर्स कंपाउंड में, टीम हमारी क्रेजी गैंग भी अभी, इनके भी दोनों प्लेयर्स अलाइव हैं, नॉक निकालने की कोशिश। एलिमेंट के यहाँ पे बी लैप को बुलॉग यहाँ पे अपनी M249 चलाते हुए, यहाँ पे अभी भी आई गेस हमारा डोर ग्लिच यहाँ पे हो चुका है, जैसे देखा नहीं स्पेस जैगुआर थे एंड यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे कोरियन मैड मैक्स को। पूरी यहाँ पे फ्री फायर देने की कोशिश, एक एम का स्पेस दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोन का यहाँ पे डैमेज पड़ता हुआ, 10x यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है। फर्स्ट एड पॉपिंग कर दिया, आई डोंट नो लग पाएगी यार, नहीं यहाँ पे नहीं पड़ पाई। एग्जिस्टेंस यहाँ पे एलिमेंट थे वो पी को करते हुए नॉकआउट। एलिमेंट की टीम से यहाँ पे फाइनल प्लेयर बचे हैं हमारे जायरो गॉड एक्सट्रैक्ट एग्जिस्टेंस। ई स्पोर्ट्स की बात की जाए तो अभी भी इनके तीन प्लेयर्स बचे हैं, एंड यहाँ पे स्पेस के भी तीन प्लेयर, सॉरी एग्जिस्टेंस के चार प्लेयर्स बचे हैं, स्पेस के तीन प्लेयर्स, एंड हमारी एलिमेंट की टीम से जायरो गॉड लास्ट प्लेयर। टीम्स आर स्टिल स्टैंडिंग यहाँ पे, अभी भी हमें कोई भी मतलब हार्ड रश किसी भी टीम के द्वारा दिखाई नहीं दे रहा है, सब धीरे धीरे करके जोन की तरफ जा रहे हैं। स्पेस की टीम यहाँ पे जोन के बाहर थी, लेकिन वो क्या प्यारा यहाँ पे कवर मिल चुका है एग्जिस्टेंस ने, यहाँ पे देख लिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी एक प्लेयर बैठे हुए हैं, बुल डॉग नाइट उन्होंने देखा ही नहीं, आते हुए पार्ट यस यहाँ पे नॉकआउट करने की पूरी कोशिश। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे फ्रैग भी आया है इनके पास, पेन किलर यहाँ पे पॉप इन कर लिया, एक फ्रैग और आता हुआ राइट हैंड साइड पे स्पेस जैगुआर की तरफ एंड ठीक ऊपर की तरफ फ्रैग। आई डोंट नो ये फ्रैग कनेक्ट कैसे नहीं हो पाया, थोड़ा सा और अगर नीचे की तरफ चला जाता तो यहाँ पे स्पेस के दो प्लेयर्स को नॉकआउट कर सकते थे, बट राइट हैंड साइड से जैरो कॉर्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रहे हैं एंड स्पेस जैगुआर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा नट क्रैक करके फ्रैग के हाथों। गाइस टीम स्टिल स्टैंडिंग यहाँ पे, यस यहाँ पे रशिंग करते हुए जायरो गॉड की तरफ 1v1 की फाइट, यहाँ पे जायरो गॉड यहाँ पे लो कर देंगे, यस यहाँ पे जायरो गॉड नॉक एंड फिनिश ऑफ कर देंगे अपनी AKM से। एग्जी यश को अभी तक कोई भी डैमेज नहीं लिया है, जायरो गॉड यहाँ पे बहुत ही अच्छा होल्ड करके बैठे, जोन में भी है, मेन बात ये है, देखते हैं यहाँ पे कैसे खेलेंगे। स्पेस की बात की जाएगा, स्पेस के प्लेयर्स अभी जोन के बाहर हैं, उनको अभी एग्जिस्टेंस रात एंड सैक्स गॉड के साथ फाइट लेनी होगी। नट क्रैकर की बात करें तो अभी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जायरो गॉड के साथ फाइट, बट बुलडॉग को यहाँ पे जोर से नॉकआउट हो जाएंगे एंड फिनिश ऑफ हो जाएंगे। एग्जी रात को यहाँ पे किल मिलता हुआ, एग्जिस्टेंस के प्लेयर धीरे धीरे करके किल्स भी बटोर रहे हैं। स्पेस जैगुआर अभी भी लेटे पड़े, फ्राग आता हुआ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, एक जैगुआर थोड़ा दूर है अभी उनसे एंड रात को यहाँ पे स्पॉट किया गया पार्ट, उन्होंने कोई भी यहाँ पे गोलियां नहीं चलाई। जिहादी की तरफ देखते एक बार, राइट हैंड साइड पे पूरा आ चुके, 1 मीटर जोन में जाने, यस यहाँ पे जोन में भी पहुंच जाएंगे एंड यहाँ पे रात जैगुआर को कर देंगे नॉकआउट। जायरो गॉड स्पॉट किया, जायरो गॉड पीछे की तरफ नहीं देख पाए, रात ने स्पॉट कर रात को नॉकआउट शुरू कर दिया, सामने की तरफ सैक्स गॉड आते हैं लेकिन नहीं, राइट हैंड साइड पे एग्जिस्टेंस यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए बहुत ही प्यारा गेम प्ले। टीम एग्जिस्टेंस लेते आती हुई विनर विनर चिकन डिनर विद 9 किल्स, बहुत ही इनक्रेडिबल गेम प्ले हमारा इस सैन हॉफ के मैच गाइस, बहुत ही प्यारा मतलब एग्जिस्टेंस का यार मज़ा आ गया। टीम का कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने देख लिया गाइस, कितना प्यारा, मतलब चारों प्लेयर्स वो भी इतनी अच्छी लॉबी में सर्वाइव करना एंड तक यार आसान नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होता है। खैर यहाँ पे बात की जाए हमारे ओवरऑल स्टैंडिंग, टीम स्पेस यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पर आती है विथ 4 किल्स, थर्ड पर आती है हमारी एलिमेंट की टीम विथ 3 किल्स, फोर्थ पे है हमारी टीम कोरियन विद 2 किल्स, फिफ्थ पे है टीम T4E ऑफिशियल 5 किल्स के साथ फिफ्थ पोजीशन पे, देन सिक्स्थ पे आती है हमारी टीम रूक्स विद 6 किल्स, सेवन्थ पे है हमारी मिस्टर विजर्ड की टीम विद 4 किल्स, एट पे है टीम शिकारी विद 10 किल्स, नाइन्थ पे है क्रिपन 2 e-sports विद 2 किल्स, टेंथ पे है टीम RD विद 1 किल, इलेवंथ पे एग्जिस्टेंस 2 किल्स के साथ, थर्ड पे टीम जिंदी 0 किल्स, SSG with 4 kills on 13th position, team TL 1 kill 14th position, IFS 1 kill 15th position, team MGM 3 kill 16th position,
And finally, 4FC 17 position with 1 kill. तो काइसी के साथ हमारे पहले मैच ही होती है समाप्ति. बहुत ही प्यारा गेम. जी जी टू टीम. बहुत ही प्यारा मज़ेदार. बहुत ही अच्छा लगा. देखते हैं क्या सेकेंड मैच में अपनी कंटिन्यूटी बना पाएंगे. यानी थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए इस मैच में, वो लोग अपनी कमबैक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. देखते हैं यहाँ पे हमारे बाकी मैचेस कैसे जाने वाले हैं. तो गाइज़ थोड़ी देर में आप लोगों के पास आईडी पास आ जाएगा, तब तक आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं. देखें नेक्स्ट मैच में आप लोग क्या क्या यू नो कैसे खेलेंगे. तब तक मैं भी चलता हूँ. आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट मैच में.
Oh,
Hello everyone, welcome back to our second match, guys. मेरा सैनोक का हमारा फिर से दूसरा मैच शुरू हुआ था। वैसे 15 टीम्स हमारी इस लॉबी में, टोटल 59 प्लेयर्स एंड फ्लाइट पाथ की बात की जाए तो लकावी से होता हुआ कैंप अल्फा की तरफ तक जा रहा है हमारा फ्लाइट पाथ। भान पैराडाइज रिजॉर्ट बूट कैंप जैसी जगह इस फ्लाइट पाथ पे दिखाई दे जाती हैं। टीम्स यहाँ पे अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशंस की तरफ जाती हुई हैं। क्वेरी की तरफ एक बार चलते हैं कि I-47 मुझे काफ़ी क्लोज दिखाई दे रही है ऑलरेडी एक टीम के। ऐसे जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए सिल्वेस्टर गेमिंग चैनल को जल्दी से। वी आर वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स, तो भाई बूम बाम सब्सक्राइब कर दो चैनल को। केरला ई स्पोर्ट्स के यहाँ पे गाइस पहला नॉक निकालते हुए प्लेयर, चलिए चलते हैं यहाँ पे जोल्डी या जोल्डी सी के ने यहाँ पे नॉक निकाला है अपनी वेक्टर साइड। नो अभी तक यहाँ पे फिनिश ऑफ तो नहीं किया है। प्लेयर स्टिल स्टैंडिंग, एक मिनट देखेंगे अगर आप लोग। जी यहाँ पे देखते हैं हमारी केरला ई स्पोर्ट्स इस बार बूट कैंप पे उतरी एंड हमारी टीम 10 जो कि आई गेस रेड चिलीज एंड मेगा एक्स की हैं यहाँ पे बूट कैंप पे उतर चुकी हैं। आई गेस मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछले मैच में जैसे कि हम लोगों ने देखा था कोई भी टीम बूट कैंप में नहीं उतरी थी, पूरा खाली था बूट कैंप। बट इस बार यहाँ पे दो टीम्स उतरी ज़रूर है। आई गेस थोड़ा पिछले मैच में मोराल बूस्ट हो गया होगा इन टीम्स का, तो थोड़ा यू नो एग्रेसिव गेम प्ले किल्स के लिए ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। गैसकिंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सीवर वाली साइड पे हैं एंड मॉली निकाल ली है, देखते हैं यहाँ पे क्या मॉली कनेक्ट कर पाएगी। यानी यूरी की बात की जाए यहाँ पे तो मुझे यूराई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कारमा की तरफ यहाँ पे मॉली ज़रूर की गई है एंड कनेक्ट भी हुई है काफ़ी अच्छी यहाँ पे मॉली करी। गेम सेंस बहुत ही प्यारा है यहाँ पे केरला ई स्पोर्ट्स के कैस्किन का, जैसे कि आप लोग मैप पे देख सकते हैं जोन हमारा गाइस साउथ वेस्टर्न साइड शिफ्ट लेता हुआ, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। टीम्स अभी भी जोन के बाहर है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड मुझे काफ़ी सारी टीम्स दिखाई दे रही है। एक बार इनकी तरफ भी देखा जाए हमारी यहाँ पे MGC की टीम खाओ की तरफ ये फाइट होती है। 4GS के प्लेयर्स ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक टीम और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके F60 की टीम है यहाँ पे हमारी, ये लोग भी खाओ पे ही लूट कर रहे हैं एंड वो लोग भी उल्टा ही फॉल बैक करें। जब पे बात की जाए हमारी MGC की तो ये लोग भी सीधा जोन की तरफ निकलेंगे। राइट हैंड साइड पे मुझे ऑलरेडी 4GS के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके आप लोग देख सकते हैं ब्लास्टियोपियन जायरोगॉड अभी भी कंपाउंड लूट रहे, तो थोड़ा यहाँ पे धीरे धीरे गल के लूट पूरी करेंगे अपने। बट यहाँ पे MGC के प्लेयर्स ने ब्लास्टियो को स्पॉइल कर दिया, ब्लास्टियो भी बहुत ही ज़्यादा लो, लिटरली यहाँ पे 1 HP छोड़ दिया है। काफ़ी अच्छा स्प्रे यहाँ पे ब्लास्टियो को दिया गया, नॉकआउट कर सकते थे। Yes, यहाँ पे MGC हंटर कर देंगे नॉकआउट ब्लास्ट ईओपी को। चाहे रिकॉर्ड ऑन द अदर एंड यहाँ पे रिवाइव देने आ जरूर अपने टीममेट्स को। देखा जाएगा राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी अजय एंड अमन ओपी में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा हो सकता है यहाँ पे कवर फायर। यस यहाँ पे जायरो गॉड नहीं कवर फायर दे रहे यहाँ पे ऑन एफ आई गेस बॉस लेडी को यहाँ पे नॉकआउट कर दे गए, स्मोक्स कर दिए गए हैं पीछे की तरफ से। अमन ओपी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अजय अभी थोड़ा काफी पीछे की साइड है पर अमन ओपी को देखा जाए स्पॉट कर लिया है यहाँ पे कंपाउंड्स को सामने की तरफ। यहाँ पे MGC के प्लेयर्स दिखाई देते हुए सैंडविच वाली सिचुएशन हो सकती है MGC के लिए, क्योंकि अब दोनों साइड 4GS के प्लेयर्स आ चुके हैं। ये हम लोग ऑफकोर्स कह सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा सैंडविच बना रहे हैं, लेकिन केरला स्पोर्ट्स के तरफ जल्दी से चलते क्योंकि बूट कैंप पे यहाँ पे एक नॉक जरूर निकाला गया है, फ्रैक किया गया है केरला स्पोर्ट्स। यहाँ पे मेन बिल्डिंग में रश मार गए, आधी यहाँ पे गंदी रोड पे लग चुकी है यहाँ पे पूरी पूछी। बट यहाँ पे थैनोस ओपी नॉकआउट कर दिया, फिर थैनोस यहाँ पे यूराई को नॉकआउट कर दिया गया है गैसकिंस के हाथों। यूराई नॉकआउट है, थैनोस अभी भी ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। यहाँ पे गैसकिंस की तरफ जल्दी से
क्यूबीसी का स्प्रे देने की कोशिश, फर्स्ट एड वापस पॉप इन करेंगे कार्मा की अगर बात की जाए अगली टीम की तरफ है, एंड यहाँ पे बात की जाए सोल्डी सीके ने कार्मा को भी कर दिया है नॉकआउट। 4GS की भी फाइट हो रही है यहाँ पर, टपाटप थानोस नीचे की तरफ से आ चुके थे, देखा नहीं यहाँ पे गैसकिंस ने फर्स्ट एड वापस से पॉप इन कर ली है। जायरोगॉड के पीछे यहाँ पे 4GS के साथ फाइट होती हुई, यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन हो रही है अभी भी, कैनलाइज पुट स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशंस। यहाँ पे सोल्डी सीके की बात की जाए अभी ग्राउंड फ्लोर पर वापस ऊपर की तरफ आ चुके हैं, देखा जाए जरा गैसकिंस ने यहाँ पे कार्मा को फिनिश ऑफ कर दिया। थानोस भी लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम से लेवल 2 की वेस्ट एंड के पास, लेकिन हेलमेट नहीं है किसी भी टाइप का। 4GS जायरोगॉड ऑन द अदर एंड यहाँ पे 2 kills 3 kills यहाँ पे निकालते हुए गैसकिंस यहाँ पे यूराई को फिनिश ऑफ कर देंगे। 4GS के गैसकिंस 4GS कह रहा हूँ यस 4GS के यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स गेम खेलते हुए भाई कैलाइस पोस्ट यहाँ पे रशिंग करती हुई थानोस ओपी की तरफ गैसकिंस लेफ्ट एंड साइड रश करते हैं, पैरल को यहाँ पे स्प्रे दिया प्री फायर देने की कोशिश, यहाँ पे वापस से रीलोड करेंगे क्यूबीसी है यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश पे, यहाँ पे जंप करना चाह रहे थे लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ गए, ये बहुत ही गंदा ग्लिच। जायरोगॉड ऑन द अदर एंड यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे इस टीम को, एंड बहुत ही प्यारा गेम प्ले 4GS की टीम के द्वारा। गाइस 1 मिनट का डिले डाला गया है आपके लिए इस स्ट्रीम पे, तो मेक श्योर आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यार स्ट्रीम स्नाइपर्स की तो दिक्कत ले ही ना। i47 के प्लेयर्स की बात की जाए यहाँ पे हो चुके हैं अभी अभी नॉक, UDS से तो नॉकआउट होते हुए जल्दी से एक बार इधर की तरफ चलते हैं। i47 के जी ब्लैक को यहाँ पे नॉकआउट किया गया है, यहाँ पे रशिंग करती हुई एंड रीपर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, बाकी तरफ यहाँ पे किंग को भी आते हुए नॉक निकाल दिया है, बहुत ही प्यारा। i47 के प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चला इस वाली फाइट के, तो यहाँ पे अंडरडॉग्स को बहुत ही तेज यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया। ऑफकोर्स 2 players नॉकआउट जरूर हुए थे हमारे रीपर एंड सी ब्लैक, लेकिन रिवाइव मिल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे i47 की टीम। आई गेस एजेंट 47 के से इंस्पायर होकर ये नेम रखा गया, तो काफ़ी अच्छा। हिटमैन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। कैर जोन यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्टर्न साइड जाता हुआ, रुइंस यहाँ पे सेंटर में, रुइंस बोले या पाइनान, बट ETR 4 sins भी मुझे इस गेम में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में हमारी ETR 4 sins। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दिस कस्टम, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सेंटर में, हम सबको पता है ETR 4 sins की जो कि ड्रॉप लोकेशन है वो ऑब्वियसली इनकी पाइनान ही है। G2 के सिल्वेस्टर ओपी यहाँ पे नॉक, सिल्वेस्टर YD नॉकआउट होते हुए कहाँ हो रही है फाइट, बैडस ओपी भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है रिवाइव देते हुए, बाकी प्लेयर्स एक प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया गया है। UN जो कि है हमारी UN बॉसेस की टीम यहाँ पे फाइट लेती हुई ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स के साथ, आपका 2 players को बहुत ही प्यारा नॉकआउट दिया गया, बैडस ओपी यहाँ पे रिवाइव होते हुए, सिल्वेस्टर को भी यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है। एक प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी साइको ओपी को लूज कर चुकी है UN बॉसेस की टीम, थोड़ा देख के रहना होगा क्योंकि 3v4 की फाइट है। पीछे की तरफ फॉल बैक कर रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड्स का काफ़ी अच्छा कवर, G2 की टीम बस डिसएडवांटेज इस बात का है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ओपन में, लेकिन ऑन द अदर एंड वहाँ पे हाइट भी है उन लोगों के पास। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी भी स्प्लिट में है टीम, देखिए ETR 4 sins की हमें सबसे पहले फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि सामी की तरफ से ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। आई गेस यस गाइस यहाँ पे G2 के ओके सॉरी मैंने गलत G2 देख लिया, आई गेस यहाँ पे ग्रिफिन 2 रिबॉर्न है यहाँ पे हमारी सामी की तरफ, एंड STR के STE के आई गेस यहाँ पे प्लेयर्स को नॉकआउट किया गया। यस गाइस ऑक्टेवियस यहाँ पे हो चुके हैं नॉकआउट ETR 4 sins के साथ, जैसे कि मुझे लग रहा था फाइनल के आउट करते हैं कि फाइट हो गई, एंड भाई वाह आज को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉट्स दिए गए हैं ETR 4 sins के डाउन, एंड CNY लास्ट प्लेयर बचे हैं विक्टर एंड M4 का कॉम्बिनेशन
जॉनथन की ड्रेस यहाँ पे पहनी हुई, जब एक जंप शॉट आता हूँ मैं इन्फोर्सेंस पी के, कर देंगे उन्हें भी फिनिश ऑफ। ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्फोर्सेंस के एक आई गेस लूसी को यहाँ पे डाउन जरूर किया गया था, लेकिन रिवाइव पे मिल जाएगा। केरला स्पोर्ट्स की बात करें तो अब आ चुके हैं बूट कैंप के आउटस्कर्ट्स पे, जो कि हम कह सकते हैं हाँ पाइनान के काफ़ी क्लोज हैं। ईटी एयरफोर्सेंस को यहाँ पे इन लोगों के साथ फाइट हमें शायद देखने को मिल जाए। F-60 की बात करें तो 4GS के पास आ चुके हैं, क्योंकि 4GS अभी हमें 3 वेयर हाउस के बूट कैंप पे होते हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पाइनान की मेन बिल्डिंग्स में हमारी टीम जंगली, देन वी हैव ऑन रूइंस अवर टीम पॉप, सामी के आउटस्कर्ट्स पे ग्रिफिन टू रिपॉन एंड अंडरटॉक्स। एक बार जल्दी से चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्लोज आ चुके हैं ये दोनों की टीम्स ही सामी के आउटस्कर्ट्स पे। एंड लोगन को देखिए गाइस, यहाँ पे लोगन को शॉट्स पड़ते हुए 10 HP पे लोगन को छोड़ दिया गया है। ग्रिफिन टू ई स्पोर्ट्स यहाँ पे शॉट्स टप्पा टप दिए जा रही है। ओ भाई मुझे सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं क्यों आज अजीब सा हो रहा है गले में। खैर यहाँ पे G2 दोनों ही गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रिफिन टू ई स्पोर्ट्स एंड ग्रिफिन टू रिबॉर्न दोनों ही काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। आई गेस यहाँ पे हमें शायद ये वाली फाइट देखने को मिले या ना मिले, बट अंडरडॉग्स तो अभी आराम से होल्ड करेंगे अपने कंपाउंड्स को। और लोगन को यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया ग्रिफिन टू के प्लेयर्स ने, लेकिन कंपाउंड का काफ़ी अच्छा कवर था तो वहाँ पे बच गए। बात बात की जाए हमारे बाकी ग्रिफिन टू के प्लेयर्स की, तो अब होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे पिकअप भी है इनके पास सिल्वेस्टर वाइटी के पास कवर के लिए, तो एक आई गेस सैनॉग में इतना हमें व्हीकल यूज़ देखने को नहीं मिलता। उल्टा व्हीकल्स लोगों को ये और यू नो अलर्ट करते कि हाँ आसपास प्लेयर्स और हो सकते हैं, क्योंकि इरेंगल एंड विकेंडी में ही उसके बाद सबसे ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ होता है। सबसे कम व्हीकल्स हमें सैनॉक में ही देखने को मिलते हैं। ये पिकअप आई डोंट थिंक सो बहुत अच्छा व्हीकल है यूज़ करने के लिए सैनॉक में, क्योंकि स्पीड भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी स्पीड नहीं है। हैंडलिंग भी जितना मैंने इसको चलाया है बहुत अच्छी हैंडलिंग तो हम नहीं कह सकते। आई तरफ जाते हुए यहाँ पे जोन में तो ऑफकोर्स है ये टीम, बट आई गेस ओके अब जोन में नहीं है, जोन में भी पहुँच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड पे ठीक है इनकी टीम जंगली, आई डोंट नो उनको कोई साउंड आई होगी या नहीं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे अब ग्रिफिन टू रिबॉर्न भी है। यस यहाँ पे क्विस्टिस को स्पॉट कर लिया गया है, बॉर्न गॉड भी सामने की तरफ से निकलते हुए सिल्वेस्टर वाइटी ने यहाँ पे स्पॉट किया एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो कर दी है बॉर्न गॉड एंड बैड एस ओ पी यहाँ पे G2 के एस ओ पी को कर देंगे डाउन। बॉर्न गॉड को भी काफ़ी ज़्यादा लो किया गया, फिनिश ऑफ करने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक एश ओ पी यहाँ पे आ चुके हैं कवर में। आई तरफ रशिंग करने की अपॉर्चुनिटी है, यस राइट हैंड साइड से अगर चाहें तो एक रश एंड फ्लैंक दोनों करने का मौका मिल सकता है इस टीम को। बहरहाल G2 के बॉन्ड गॉड ऊपर हिल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे वो लोग स्पॉट करने की। लोकेशन थोड़ी बहुत हमें आइडिया लग जाती है साउंड की वजह से कि किधर की तरफ है टीम, लेकिन स्टिल यहाँ पे ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स कोशिश करेंगे नॉकआउट करने की। एंड सिल्वेस्टर वाइटी को काफ़ी ज़्यादा चट डाउन किया गया यहाँ पे बॉन्ड गॉड के हाथों। सिल्वेस्टर को यहाँ पे 50 HP कर दिया, बट एलिमेंट ई स्पोर्ट्स ऑन दी अदर एंड यहाँ पे फिर से फाइट में एंगेज होती हुई। मुझे कोई तो दिखा था, एक मिनट गाइस, शायद मैं भी भाई अलग ही नशे कर रहा हूँ, इतना खतरनाक क्यों हो रहा है। खैर जंगली वॉलरस ने यहाँ पे केरला ई स्पोर्ट्स के ओल्डी सीके को कर दिया है नॉकआउट, काफ़ी ज़्यादा ओपन में। आदि यहाँ पे आ चुके अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए, स्मोक्स कर दिए गए। ग्रिफिन टू रिबॉर्न भी राइट हैंड साइड पे, सामने की तरफ ग्रिफिन टू ई स्पोर्ट्स भी है एंड जंगली के प्लेयर्स के हाथों ही अभी अभी ये नॉकआउट हुए थे। कंपाउंड में आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंपाउंड काफ़ी प्यारा है इस टीम के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितनी 1 2 3 4 5 लिटरली 5 टीम्स मुझे इस टाइम दिखाई दे रही हैं। दूर है ऑफ कोर्स, इतना भी पास नहीं, मिड रेंज फाइट अगर कोई भी लेगी एक दूसरे तो मिड रेंज फाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट स्टिल यार थोड़ा दिक्कत तो रहती है। खैर बेला ओपी यहाँ पे किंग ओपी को कर देंगे डाउन, वो भी प्रोन डाउन करके, प्रोन डाउन करके M4 4X का जो स्प्रे जाता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है डोपामीन हिट हो गई हो।
यार i4 7 के यहाँ पे प्ले किंग ओपी को डाउन किया गया था, बट उनके प्लेयर्स ने रिवाइव दे दिया है। हेलमेट की बात कीजिए तो पूरा का पूरा यहाँ पे डैमेज है, 1% यहाँ पे हेलमेट उनका बचा है। एंड यहीं पे जंगली ट्रैक्स देख लेंगे उनको, ऑफ गार्ड पकड़ा एंड डाउन कर दिया जाएगा। सी ब्लैक को भी यहाँ पे 10 HP डाउन किया गया। जंगली के पास काफ़ी अच्छा कंपाउंड है, चाहे तो आराम से होल्ड करके बैठ सकते हैं यहाँ पे, वेट कर सकते हैं i47 के प्लेयर्स का जैसे ही जोन के बाहर, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स हैं तो कोशिश पूरी की जाएगी यहाँ पे नॉकआउट करने की। एक मॉली ही गई एंड जंगली आग यहाँ पे जी ब्लैक को कर देंगे डाउन। जी ब्लैक यहाँ पे फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे मॉली से, तो एक मॉली का यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कि अगर आप लोग वहाँ से नहीं हटेंगे तो मॉली आपको नॉक एंड फिनिश ऑफ ही करेगी सीधा। यहाँ पे फ्रैग करने की कोशिश की गई, यस यहाँ पे फ्रैग कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा ही कुक कर लिया। i47 के प्लेयर्स यहाँ पे जोन से डैमेज खाते हुए जंगली ट्रैक्स को अपना किल कन्फर्म होता है, तो i47 के दो प्लेयर्स यहाँ पे मिड गेम में फिनिश ऑफ हो चुके हैं। रीपर एंड वेनम के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई, यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ रहा हो क्योंकि जोन में अगर जाना है तो टीम जंगली की तरफ से जाए, बाकी जगह से अगर जाएंगे तो यहाँ पे उनको डैमेज भी ज़्यादा पड़ेगा। आई डोंट नो उनके पास हीलिंग्स इनफ है या नहीं। यस वेनम के पास यहाँ पे 3 फर्स्ट एड्स मुझे दिखाई दे रही हैं, रीपर के पास भी यहाँ पे 2 फर्स्ट एड्स एंड 10 बैंडेजेस है। लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट भी है। आई डोंट नो गन्स कौन सी चला रहे हैं, बैरल है एंड M416, क्योंकि हमारा सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे हर मैप में। चलते हैं दूसरी टीम्स की तरफ, मैंने बहुत देर से दूसरी टीम्स नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे गाइस जोन हमारा साउथ एंड साइड शिफ्ट ऑफ होता है। यहाँ पे 39 प्लेयर्स अलाइव, टोटल 11 टीम्स। आई डोंट नो यहाँ पे क्या ही भसड़ होने वाली है। केरला स्पोर्ट्स यहाँ पे टीम रिफ्लेक्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज, जोल्डी एक यहाँ पे ठीक है सामने है रिफ्लेक्स के, मजीक के सामने फ्रैग किया गया। आई डोंट नो फ्रैग कनेक्ट होगा नहीं, यहाँ पे नॉक नहीं निकल पाए। 10 HP यहाँ पे फ्रैग से डैमेज ज़रूर मिला मजीक को। दे स्टिल होल्डिंग देयर पोजिशंस यहाँ पे, अभी भी बिल्कुल भी कोई टीम नहीं चाह रही कि अपना एक भी प्लेयर लूज किया जाए। बट केरला के जोल्डी सीके को यहाँ पे पीछे से शॉट्स पड़े, चाहे तो यहाँ पे मजीक अगर नीचे की तरफ देखते तो ऑफकोर्स नॉकआउट निकाल सकते थे, लेकिन अब स्मोक्स कर रहे, यही होता है जो हम लोगों को दिखाई देता है, इनको नहीं। खैर G2 के AB सर यहाँ पे जंगली के प्लेयर्स को नॉकआउट कर देंगे। रिफ्लेक्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे ETR4 इनके PK को डाउन कर दिया है। रिफ्लेक्स के प्लेयर्स काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हुए यहाँ पे विक्की 21 को स्पॉट कर लेगा, जंगली बाग को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स के हाथों। स्मोक्स किए गए हैं विक्की 21 के हाथों, अभी भी वेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, नहीं यहाँ पे फ्रैग कर रहता है कि इस फ्रैग ठीक से कर नहीं पाए, थोड़ा यहाँ पे फ्रैग गलत हो गया। बट केरला स्पोर्ट्स के आदि ने 4GS अमन ओपी को डाउन कर दिया है। जल्दी से केरला स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे रशिंग करते हुए ब्लास्टी ओपी को, क्या प्यारा यहाँ पे डाउन किया आदि ने, नहीं ऑफकोर्स आदि की तरफ रशिंग कर रहे थे। 4GS के प्लेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, अमन ओपी ठीक नीचे की तरफ नॉक्ड आउट एंड जायरो गॉड को यहाँ पे 10 HP कर दिया गया। गाइस इतनी सारी फाइट्स एक साथ हो रही है। ETR4 सिंस लूसी यहाँ पे F60 के प्लेयर्स के हाथों नॉकआउट होते हुए, चलते हैं रीम ETR4 सिंस की तरफ। यहाँ पे लूसी नॉक्ड आउट है, NRK को भी रिफ्लेक्स के विक्की 21 ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है। F60 के प्लेयर्स बहुत ही प्यारा गेम प्ले दिखाते हुए ETR4 सिंस गेम से एलिमिनेट होती हुई, केरला स्पोर्ट्स के आदि ने यहाँ पे 4GS अमन को कर दिया है फिनिश ऑफ। बात की जाए ओल्डी सीके की तो जोल्डी सीके जी ओल्ड, अच्छा जी ओल्डी है इनका नाम आई गेस, जी ओल्डी सीके उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया गया एंड चाय रिकॉर्ड यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आदि के झपट्टे में आ गए। G2 Ash OP ऑन दी तरह 4GS सब ओपी को नॉकआउट करते हुए एंड CB मजीक ऑन दी तरह यहाँ पे किल कन्फर्म कर लेंगे अपनी टीम के लिए। ऑफकोर्स ये किल केरला स्पोर्ट्स का था तो यहाँ पे किल भी चुरा लिया है रिफ्लेक्स की टीम। अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम खेल रही है, चारों प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी अलाइव है। F60 के प्लेयर्स ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नॉक निकालते हैं। गाइस इतनी सारी फाइट चल रही है, अभी 8 टीम्स अलाइव है, टोटल 27 प्लेयर्स यहाँ पे, तो आप लोग सोच सकते हो कि हर डायरेक्शन में आप कहीं भी रोटेट भी मारने की कोशिश करोगे तो आप किसी ना किसी स्क्वाड में भिड़ जाओगे। क्या रिफ्लेक्स ZenX हीरो ने यहाँ पे केरला स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कर दिया है फिनिश ऑफ। गैस्किन्स अब बचे हैं लास्ट प्लेयर, वो भी जोन का काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेते हुए आदि जो कि लास्ट प्लेयर थे उनको फिनिश ऑफ किया गया है। अब ये भी G2 के कुरकुरे ओपी को नॉकआउट कर दिया है, जंगली बॉल रस्ट एंड फिनिश ऑफ भी कर देंगे। और इधर रैन FST के रेको ओपी ने नॉक निकाला है, रेको ओपी ने एक और रिफ्लेक्स के प्लेयर्स को नॉकआउट भी करा, क्योंकि मजीद ने यहाँ पर रेको ओपी को नॉकआउट कर दिया। गैस्किन्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉक्स निकाल सके अपनी टीम के लिए, शॉट पड़ते हुए एंड यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे FST के स्क्रीम के हाथों।
G2 के आप सीन पर AB सर यहाँ पे कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं। बैडास ओपी अभी भी आगे की तरफ फ्रंट में जाते हुए जंगली वॉल्डर्स कुछ देख रहे हैं। यहाँ पे रिको भी फिनिश ऑफ होते हुए। हमारे मजीक कहाँ है? ये रहे हमारे मजीक। अभी भी कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पे जोन में जाने की। हील बैटल भी नहीं कर सकते। उनके टीममेट्स की आवाज़ जरूर आ रही थी यहाँ पे। गन पीछे रखने की भाग रहे हैं यहाँ पे। क्या पहुँच पाएंगे या नहीं? जंप करके आएंगे गलत जा रहे हैं बिल्कुल। एक सेकेंड यहाँ पे आई गेस 2 सेकेंड की और बात थी। अरे 2 सेकेंड के लिए जोन रुक जाता है, कुछ हो जाता ना तो भाई यहाँ पे बच जाते। खैर बहुत ही अच्छा गेम प्ले इस टीम के द्वारा। बात कीजिए हमारे ग्रिफिन 2K प्लेयर्स की, तो अभी भी चारों प्लेयर्स अलाइव हैं। जोन में सबसे क्लोज हमारी यही स्क्वाड है। राइट हैंड साइड पे हम G2 रिबॉन को भी देख सकते हैं। ये रही हमारी G2 रिबॉन। 2 प्लेयर्स ही बचे हैं यहाँ पे। कुरकुरे ओपी नाश ओपी को फिनिश ऑफ कर देंगे। जंगली ऑन दी अदर एंड यहाँ पे बाकी 2 प्लेयर्स यहाँ पे फाइट लेते हुए। ये आई डोंट नो रेंडरिंग इशू एकदम से कहाँ गया। क्या टीम जंगली की तरफ चलते हैं बट यहाँ पे थर्ड पार्टी होती है। पॉप रेक्स यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे जंगली ट्रैक्स को भी एंड बॉन गॉड को भी। वॉलरस लास्ट प्लेयर बचे हैं अपनी टीम से बट यहाँ पे रिवाइव दे पाएंगे या नहीं आई डोंट नो। लेफ्ट हैंड साइड से G2 के यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट किया गया। आई डोंट नो ये क्यों ऐसा ग्लिच हो रहा है यहाँ पे, होना तो नहीं चाहिए। यस यहाँ पे क्विस्टिस बचे हुए हैं। जंगली बॉलर्स यहाँ पे ट्रिक्स को अच्छी तरह बुलाते हुए बॉन गॉड को फिनिश ऑफ कर दिया गया है। FST का स्क्रीन यहाँ पे सेंड यू टू लॉबी के हाथों नॉकआउट होते हुए। पीछे से क्विस्टिस को शॉट्स पड़ते हुए एक गोल यहाँ पे कनेक्ट हो गए एंड फिनिश ऑफ हो जाएंगे क्विस्टिस भी। बट पीछे से जंगली वॉलरस ने कर लिया स्पॉट एंड यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर देंगे। तो टीम यहाँ पे हमारी ग्रिफिन 2 रिबॉन गेम से बाहर होती हुई। जंगली वॉलरस ऑन द अदर एंड अभी भी यहाँ पे हील कर चुके हैं एंड जोन की तरफ निकलते हुए नीचे की तरफ सीधा कूदेंगे लेकिन नहीं यहाँ पे पॉप रेक्स ने उन्हें भी फिनिश ऑफ कर दिया। चलते हैं टीम की तरफ। यहाँ पे G2 के सिल्वेस्टर YT नॉकड आउट है एंड उनको फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश की गई। जोन इनके फेवर में ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओपन में। चलते हैं टीम अंडर डॉग्स की तरफ क्योंकि यहाँ पे G2 की टीम के साथ फाइट ले रहे हैं। वेनम लास्ट प्लेयर बचे हैं। अब AB सर भी ऊपर की तरफ है। यहाँ पे एक रिच का फासला M4 लेके जाते हुए लेकिन तब तक थर्ड पार्टी होती हुई रॉक्शा ने भी नीचे ऑफ कर दिया। वी आर डाउन टू 3 टीम्स। इट्स 2v4v1। यस गाइस इट्स 2v4v1। यहाँ पे टीम पॉप वर्सेस अंडरडॉग्स वर्सेस F60। मतलब इन लोगों ने इतना प्यारा लोकेशन होल्ड कर रखा है ना, जो रूइंस का मेन कंपाउंड इन लोगों ने होल्ड किया, दैट वाज एन इनक्रेडिबल मूव। क्योंकि ऑफकोर्स जोन मैटर करता है यार। यहाँ पे F60 ईओजिन की बात की जाए काफ़ी अच्छा मौका है इनके पास पॉप के प्लेयर्स को नॉकआउट करने, क्योंकि पॉप के प्लेयर्स अब अंडरडॉग्स के साथ फाइट लेंगे। अंडरडॉग्स के पास BRDM का फ़ायदा जरूर है। यहाँ पे सीधा चाहे तो निकल सकते हैं जोन में क्योंकि सेंटर में जो हल्का सा ये टेम्पल बचा है वही एक इकलौती चीज़ है जो इन लोगों को कवर दे सकते हैं इस जोन में। 26 मीटर जोन बचा है। यहाँ पे ईओजिन के पास हीलिंग भी नहीं है। यहाँ पे सेंड यू टू लॉबी को स्पॉट किया गया एंड नॉकआउट कर दिए जाएंगे। बहुत ही प्यारा यहाँ पे पहला प्लेयर नॉकआउट करते हुए रॉक्शा को स्पॉट किया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन कर लिया। आई डोंट नो फर्स्ट एड लग पाएगी या नहीं क्योंकि हेल्थ बहुत तेजी से जा रही है। ये जोन कनेक्ट होते ही गाइज यहाँ पे प्लेयर्स को कर दिया जाएगा। फिनिश ऑफ ओपन फायर करी गई, फिर से ओपन फायर करी लेकिन नहीं, पॉप रेक्स को उन्होंने नहीं देखा एंड पॉप रेक्स फिनिश ऑफ करेंगे। UN के वेनम भी जोन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टीपू और धीरे धीरे एंड यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं बट आई डोंट नो हील बैटल कब तक कर पाएंगे। वेनम यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन करते हुए मेड किट भी है यहाँ पे इनके पास। 4 फर्स्ट एड्स भी आएंगे। सारे फर्स्ट एड्स या तो अपने प्लेयर को दे देनी चाहिए क्योंकि दीपू आई डोंट थिंक सो बहुत देर तक हील बैटल कर पाएंगे। यहाँ पे फिर से लास्ट फर्स्ट एड भी पॉप इन कर रहे हैं। एक फ्रैग यहाँ पे वेनम की तरफ आता हुआ रॉक्शा ने यहाँ पे आके स्पॉट कर लिया। यस यहाँ पे रॉक्शा पॉप रेक्स यहाँ पे देखा गया, नॉक कर दिया गया है। बहुत ही प्यारा पॉप आइवर को देखने की कोशिश बट नीचे की तरफ अटक चुके हैं यहाँ पे एंड जोन से ही फिनिश ऑफ हो जाएंगे। तो टीम यहाँ पे पॉप ले जाएगी विनर विनर चिकन डिनर विद 7 किल्स। अल्टीमेट जो गाइस कहते हैं ना जोन प्रिडिक्ट करना, यहीं पे गाइस जो छोटी छोटी चीज़ें होती है अगर आप इस पे ध्यान दें तो ऑफकोर्स आप चिकन निकाल सकते हैं। यहाँ पे पॉप की टीम ने जोन पे बहुत अच्छा ध्यान रखा, रूइंस के मेन बिल्डिंग को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, उसी की वजह से वहाँ पे चिकन डिनर निकालने में सक्षम रहे। बहुत ही प्यारा गेम प्ले। ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात की जाए तो टीम अंडरडॉग्स यहाँ पे आती है 2nd पोजीशन पे 2 किल्स के साथ। 3rd पे आती टीम F60 विद 6 किल्स। 4th पे हमारी G2 eSports की टीम विद 4 किल्स। 5th पे टीम जंगली विद 5 किल्स। 6th पे G2 रिबॉर्न 2 किल्स। देन टीम रिफ्लेक्स 7th पोजीशन विद 4 किल्स। 8th पे आती है केरला eSports विद 6 किल्स। 4th पे टीम 4GS विद 7 किल्स। 9th पे 4GS है हमारी 7 किल्स के साथ। 10th पे है ETR4Sense 4 किल्स के साथ।
देन अ टीम I-47 11th पोजीशन पे 4 किल्स के साथ, 12th पे टीम STE 0 किल्स, अंडरडॉग्स 13th पोजीशन पे 0 किल्स, 4th पे आती है हमारी यूराई की टीम विद 1 किल, 15th पे फाइनली है हमारी टीम MGC 0 किल्स के साथ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये मैच भी होता है ख़त्म। इंटरेस्टिंग हमारा सैनोक का मैच, बहुत ही प्यारा, मतलब सैनोक के मैच इंटरेस्टिंग ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड आधे घंटे में भी फिनिश ऑफ हो जाता है, तो ये सबसे अच्छी, मतलब मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है इस मैप की। खैर बाकी दो मैचेस जो कि हमारा थर्ड एंड फोर्थ मैच होने वाला है वो होगा हमारा इरांगल का मैप, तो देखते हैं इरांगल में कैसा खेलेंगे टीम। मुझे लग रहा है कोई ना कोई टीम कमबैक ज़रूर करने वाली है यहाँ पे। ऑफकोर्स हमें पता है कि इरांगल के मैप की सबसे अच्छी यहाँ पे, मतलब जो बंदा सबसे कम भी खेलता है ना पबजी, उसको बहुत अच्छे से पता होता है इरांगल के मैप का, कहाँ बंदे मिलेंगे, कहाँ मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्या कंपाउंड के क्या स्ट्रक्चर होता है, यू नो हर एक छोटी छोटी डिटेल यहाँ पे इरांगल के मैप की लोगों को पता होती है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स गेम चेंजिंग तो कुछ ना कुछ रहेगा, हमारा यहाँ पे पॉप ईस्पोर्ट्स ने यहाँ पे निकाल लिया चिकन डिनर। देखते हैं नेक्स्ट मैच में कैसा खेलती हैं हमारी अब टीम्स। खैर गाइस ये हमारा सेमीफाइनल का 6th मैच था, अब बढ़ेंगे हम 7th मैच की तरफ। आई गेस दैट वुड बी ग्रुप सी वर्सेस ग्रुप टी। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके गाइस 7th मैच वुड बी ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी, एंड आईडी पास 8:45 का है, स्टार्ट टाइम वुड बी 7:15। तो ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी का देखते हैं कैसा मैच जाने वाला है। बाकी तो आप लोगों को पता ही है इरांगल के मैच में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक आप लोग भी रेस्ट लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लॉबी में।
Así que me gusta.
Thank you.
वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई गेस ये हाफ एन आवर का ब्रेक टीम्स के लिए एनफ होगा थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लानिंग वगैरह करने के लिए। खैर, यहाँ पे हमारा तीसरा मैच रैंगल का होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 63 प्लेयर्स इन दिस मैच टोटल। अगर टीम्स की बात की तो 17 टीम्स यहाँ पे इस मैच में हैं। फ्लाइट पाथ की जल्दी से बात करते हैं। यहाँ पे फ्लाइट पाथ हमारा क्वेरी से शुरू होता है, 7 की तरफ तक जा रहा है। यहाँ पे गटका रूइंस एंड शूटिंग रेंजेस फ्लाइट पाथ में दिखाई दे जाती हैं। तो अब सबसे बढ़िया बात इस फ्लाइट पाथ की है कि जॉर्ज पुल सिटी, जो हमारी ज़्यादातर मेन टीम्स की हॉट ड्रॉप होती है, वहाँ पर टीम्स उतर सकती हैं। देखते हैं कैसा गेम प्ले दिखाएंगी यहाँ पर टीम्स। आई गेस मैंने अपडेट कर दिया, मुझे लगा मैंने डिस्क्रिप्शन अपडेट नहीं किया। खैर, गाइस यहाँ पे अपडेटेड ही है। टीम्स यहाँ पे जंप लेती हुई अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशंस की तरफ। Where is our chat? क्या वापस स्टूडियो खोल दिया जाए? 17 टीम 63 प्लेयर्स एंड यहाँ पे मुझे TL पांडा, उपेंद्र ट्री, एक्स हेजल हेज आई गेस अपने अपने स्लॉट्स में नहीं बैठ पाए, तो दिक्कत हो सकती है। खैर, BSUD की बात की जाए तो जॉर्ज पूल सिटी में कूदे हैं। लूट करते हुए यहाँ पे थोड़ा लैग हमें यहाँ पे गेम का देखने को मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट खैर यहाँ पे देखा जाए तो टीम 19 हमारी यूराय ओपी की अपार्टमेंट्स लूट करते हुए 2v2 के स्प्लिट में। M4 यूर की टीम की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशल 6 हाउसेज होते हैं वहाँ पे लूट करते हैं। पर TL स्टार्क FTW को अभी नॉकआउट कर दिया गया है। देखते हैं जल्दी से उनकी तरफ। ये रही हमारी TL की टीम नंबर 6, जो कि यासना पोलियाना में फाइट लेते हुए कह रहा है। इस पोज भी मुझे अपार्टमेंट्स की साइड दिखाई दे रही है। टीम आई गेस एलिमेंट भी है यहाँ पे। यस गाइस, एलिमेंट भी सामने की तरफ दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्स की टीम भी है। तो यहाँ पे काफ़ी टीम्स यासना पोलियाना में कूदी है। तो इतनी डेंस सिटी में अगर ज़्यादा टीम्स ना हो तो मज़ा नहीं आता यार, होनी तो चाहिए। ये तो मतलब वही बात होगी कि जब तक ना हो ना तक मज़ा नहीं आएगा। भाई क्या कस्टम है, बंदा बाहर जा रहा है, खुद इशू है कस्टम में। रीमैच ब्रो, क्या भाई हमारे दो बंदे जा चुके हैं बाहर। भाई यार ये तो ग्लिच है ना फिर पबजी का यार, आई कांट से एनीथिंग। रीमैच तो भाई नहीं हो सकता, रीमैच तो नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि यू ऑल ऑलरेडी नो कि इस सेमीफाइनल के लिए कितना ज़्यादा आई गेस 2 दिन डिले ऑलरेडी किया गया है। आप खुद बताओ यार इसमें मैनेजमेंट भी क्या कर सकती है। तो गेम का ही ग्लिच है ना कि एक्चुअली अपडेट के बाद से ही ये ग्लिच बार बार हो रहा है। तो यार 4GS ब्लास्टी, आई एम सॉरी ब्रो बट वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। वो आई नो आप क्या कह रहे हो, कई बार स्पेक्टेट में जितने लोग बैठ रहे हैं उनके साथ भी हो रहा है, ज़्यादातर ग्लोबल वर्जन वाले अपडेट के बाद से ही हो रहा है ये। कई बार स्पेक्टेट वाले प्लेयर्स को भी बाहर फेंकते रहे रूम, तो यार उसमें तो वी कांट डू एनीथिंग, उसमें मैनेजमेंट का तो कोई फॉल्ट नहीं। कह रहे यूराई ने यहाँ पे M4 XTO कर दिया नॉकआउट। भाई वी कैन ओनली मतलब इतना ही हो सकता है कि फिर तो नेक्स्ट मैच में आपको बोला जाए कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर लो, क्योंकि दिस इज़ टाइम टेकिंग यार। ये ऐसा है नहीं कि सिर्फ क्या कहते हैं नया मैच तुरंत करा दो, ऐसा हो नहीं सकता ना। कितनी सारी टीम्स आप देखो, 17 टीम्स को वापस से बोलना, नॉट
एवरीवन इज रेडी टू डू इट ना, तो वी जस्ट कांट डू इट। अभी आपके पास यही ऑप्शन है कि आपके दो जो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं वो लोग अच्छे से खेले हैं, दे कैन गेट अ गुड पोजीशन, दैट्स ऑल वी कैन से टू यू। और इसमें और कुछ नहीं हो पाएगा भाई, सॉरी। रिफ्लेक्स विको को, विकी को यहाँ पे एलिमेंट के देव ओपी ने नॉक कर दिया है। फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने की कोशिश रिफ्लेक्स के प्लेस। क्या यहाँ पे विकी को रिवाइव दे पाएंगे या नहीं, मुझे लग रहा है कि मुश्किल यहाँ पे शुरू होने वाली है। बस सीबी मजीक को देखा जाए, रिफ्लेक्स के इस बार तीन ही प्लेयर, आई डोंट नो व्हाई चार पूरी स्क्वाड नहीं हो पाई, तो ये यू नो एक दिक्कत हो सकती है इस टीम के लिए। यहाँ पर रिफ्लेक्स का किल कन, रिफ्लेक्स विकी 21 का किल कन्फर्म होता हुआ, एंड रिफ्लेक्स की टीम ने गेम के अर्ली फेज में अपना एक गेम एक प्लेयर यहाँ पे लूज कर दिया है। राइट हैंड साइड में कॉर्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो एलिमेंट गबरू भी अभी हैं। ब्रो हमारे दो बंदे बाहर हो गए खुद से, सबके ही खुद से बाहर हो गए क्या? पी एस यू डी हितेन यहाँ पे नॉकआउट होते हुए, चलिए चलते हैं उनकी तरफ भी। ये रहे खुद से क्या भाई, भाई यार इसमें यार देखो किक तो बेवजह किसी को किया नहीं है। फेकर बॉट यहाँ पे थैनोस ओपी को नॉक कर दिए जाएंगे। जीएल पांडा ओपी ऑन द अदर एंड केरला ई स्पोर्ट्स के प्रोफेन को नॉकआउट करते हुए, यूराई यूराई भी यहाँ पे नॉक्ड आउट हुए हुए हैं। टीम नंबर 19 से दो प्लेयर्स ऑलरेडी नॉक्ड आउट है। थानोस को यहाँ पे पैन से फिनिश ऑफ करने के लिए आ रहे हैं। यस यहाँ पे थानोस को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, तो एक प्लेयर ऑलरेडी लूज कर चुकी है हमारी टीम नंबर 19। बाकी दो प्लेयर्स बचे, यूराई को यहाँ पे बचाने की कोशिश की जाएगी लेकिन वो भी फिनिश ऑफ हो जाएंगे वेड नूप के हाथों। डेवल टू ओपी एंड्रोस पीटीएल के ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई, दो ही प्लेयर्स बचे हैं अपनी टीम से। गाइज यार आपको अगर इससे कोई इश्यू है तो यार प्लीज़ टॉक टू द मैनेजमेंट। ग्रिफिन टू ईस्पोर्ट्स रैंक 9 विद 7 किल्स क्वालिफाई होंगे क्या भाई? आई डोंट नो भाई, वो देख लेना खुद, पॉइंट्स टेबल आएगी तब। खैर अब मैं चैट नहीं पढ़ूंगा गाइज। कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम या परेशानी, यू कैन टॉक टू द ग्रिफिन टू मैनेजमेंट, दे विल सॉर्ट इट आउट। आई एम जस्ट अ कास्टर। खैर चलते हैं यहाँ पे हमारी टीम बी एस यूरी की तरफ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे दो किल्स निकाल चुके हैं, ऊपर की तरफ रश इन करते हुए टीम नंबर 19 के ऊपर, यहाँ पे जो कि है हमारी रेड चिल्लीज की, उनके ऊपर दिक्कतें बढ़ते हुए चार प्लेयर्स सिर्फ रश इन करने के लिए तैयार बैठे। फिगर बॉट ने यहाँ पे फ्रैग को गिन किया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने रीबाउंड किया। फेकर ने यहाँ पे फ्री फायर करने की कोशिश की लेकिन आए गए बी एस यू हितिन को पता है कि अंदर की तरफ प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मॉली निकाल ली गई, मॉली यहाँ पे की लेकिन टेबल टू ओपी की यहाँ पे मॉली में आ चुकी है, एंड फेकर बॉट के फ्रैग से टेबल टू ओपी नॉकआउट हो जाएंगे, एंड फेकर बॉट यहाँ पे फाइट लेते हुए टेबल टू ओपी भी फिनिश ऑफ हो जाएगी। तो दोनों किल्स यहाँ पे फेकर बॉट को ही मिले, टोटल तीन किल्स इस टीम से निकालते हुए। हेलो सेंसे, क्या हाल चाल सेंसे? गाइस जोन की अगर बात की जाए यहाँ पे तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड हमारा जोन शिफ्ट होता हुआ है 90%। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टीम ज़्यादातर हमें इसी जोन में दिखाई दे रही है, कोई भी यहाँ पे इनको दिक्कतें नहीं होने वाली। एआरसी जतिन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेवरनी के आउटस्कर्ट्स पे जो हमारे फोर कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे टीम रेड ट्री के साथ फाइट ले रहे हैं। यहाँ पे कार लेके टीम नंबर 14 के प्लेयर्स ऑलरेडी रशन मार चुके हैं। हेज के ऊपर यहाँ पे दो प्लेयर्स आते हुए इल्यूजन को यहाँ पे डाउन शुरू कर दिया है लेकिन नहीं, काफ़ी लो एचपी पे थे, इल्यूजन ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो कर दिया था हेस को, एंड उसी वजह से विक यहाँ पे सक्षम रहे 1v1 फाइट लेने में। इल्यूजन को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा एंड गेम में बढ़ेंगे आगे। टोटल 15 टीम्स अलाइव यहाँ पे, 56 अलाइव पीपल। एयर ड्रॉप आता हुआ यहाँ पे, जल्दी से देखते हैं एयर ड्रॉप में क्या है। एंड क्रोजा है बट आई गेस सिमेंट्री के ऊपर ही यहाँ पे हमारी एयर ड्रॉप अटक गई, तो कोई भी टीम इसको ले नहीं पाएगी अनटिल एंड अनलेस दे आर वेरी यू नो ईगर टू टेक दैट ड्रॉप। चलते हैं यहाँ पे 4GS जायरो गॉड की तरफ, कहाँ है हमारे जायरो गॉड? हियर इट इज, हियर इज जायरो गॉड एंड अमन ओपी। यहाँ पे सीबी मजीक को नॉकआउट जरूर किया गया है, कार रोक दी गई मजीद की तरफ शॉट्स लेने की कोशिश, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स टर्बो ओपी चायरो गॉड को कर देंगे नॉकआउट। टर्बो रिवाइव देते हुए अपने टीम हेड को यहाँ पे अगर फ्रैग करते तो आई गेस अमन को भी फिनिश ऑफ कर सकते हैं। अमन भी यहाँ पे पिक्सल एचपी पे बचे हुए हैं,
They're still standing on their positions. यहाँ पे smokes कर दिए गए हैं. Frag cooking करते हुए मजीक के सामने frag आता है. अमन OP यहाँ पे knock निकालने में सक्षम रहे. अमन यहाँ पे एक frag और करते हुए, क्या यहाँ पे frag connect हो पाएगा? Frag आता हुआ. Yes, यहाँ पे कनेक्ट जरूर हुआ. काफी अच्छा फ्रैग यहाँ पे. मजीक को काफी ज्यादा लोग किया गया. उजी निकाली गई यहाँ पे. दोनों ही प्लेयर्स ने यहाँ पे उजी का प्ले किया. एक एक प्ले आता हुआ एंड टर्बो यहाँ पे कर देंगे फिनिश ऑफ. बहुत ही प्यारा गेम प्ले. टीम रिफ्लेक्स यहाँ पे 4GS को कर देगी गेम से बाहर. एंड टर्बो ने वहाँ पे जो तुरंत पहले उजी का स्प्रे दिया, उजी से 10 HP कर दिया था. देन AKM तुरंत निकाल गई. तो वहाँ पर ड्रॉप शॉट इससे पहले कि सामने 4GS के प्लेयर्स दे पाते, उससे पहले ही रिफ्लेक्स के टर्बो ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया. काफी अच्छा गेम प्ले. एक टीम और गेम से एलिमिनेट होती हुई. जोन हमारा मूव इन कर चुका है गाइस. 10 मिनट्स हमें ऑलरेडी इस गेम में हो चुके हैं. सेकेंड जोन देखते हैं किधर की तरफ बनेगा. टीम्स को ज़रूर अब यहाँ पे जोन में जाना होगा. देखते हैं कौन कौन सी पोजीशंस होल्ड करेंगे. अगर आप लोग देखें तो हमारी पोचिंकी की पूरी सिटी खाली है. रोजॉक भी पूरा एम्प्टी है. बात की जाए यास्ना पे तो अभी सिर्फ TL है, वो भी आउटस्कर्ट्स पे. मेन तो TL हमारी अभी यासना है कि कंपाउंड्स में भी नहीं है. तो आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग बिल्कुल मतलब हॉट ड्रॉप तो किसी को जाना ही नहीं है. सबको बिल्कुल आराम से सेफ लोकेशंस पे ही खेलना है. तो ये आपको सिर्फ ऐसे टूर्नामेंट्स में ही देखने को मिलेगा. चलते हैं टीम एक्सट्रैक्शन की तरफ, क्योंकि स्केरी यहाँ पे अभी भी लूट कर रहे हैं. ये थी YT ऑलरेडी अपनी यहाँ पे कार लेके आगे तरफ आ चुके हैं. सनरूफ की बात की जाए तो ये भी जोन में धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं. शूटिंग रेंज के हिल्स पे अभी कैप्चर कर रखा है इन्होंने अपने कंपाउंड्स को. आ चुके हैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस की तरफ. सेवरनी पे मुझे टीम हमारी 14 दिखाई देती हुई. बहरहाल और तो मुझे अभी कोई भी टीम गाइज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही. केरला ईस्पोर्ट्स हमारे स्कूल के काफ़ी क्लोज दिखाई दे रही है. FLT ऑन द अदर हैंड स्कूल अपार्टमेंट्स में होल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे अभी भी अपनी अपनी पोजीशंस में होल्ड कर रही हैं. केरला के प्रोफेन को यहाँ पे देखा ज़रूर क्या है. अभी भी आई डोंट नो यहाँ पे ठीक से टीम्स को देखा पा रहे हैं या नहीं. यस यहाँ पे गैसकिंस को इस बार जरूर स्पॉट कर लिया गया होगा. अभी तक दूर थे, मुझे लग रहा था शायद रेंडरिंग थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाती जब तक आपके पास अच्छा खासा स्कोप 4x एटलीस्ट ना हो. बट यहाँ पे गैसकिंस ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे. गैसकिंस को ज़रूर स्पॉट किया गया होगा. स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशंस यहाँ पे. अभी भी अगर बात की जाए तो स्पॉट यस कर लिया गया था. गैसकिंस बहुत ज़्यादा ओपन में से पीक आउट कर रहे थे, इसी वजह से यहाँ पे DP का जहर बहुत ज़रूर बचा. 10 HP पे था. आई गेस एक यहाँ पे बुलेट और ज़्यादा कनेक्ट होती तो नॉकआउट हो सकते थे गैसकिंस. बाकी टीममेट्स की बात की जाए उनकी तो केरला स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स को एक बार देखते हैं. प्रोफेन यहाँ पे राइट एंड साइड गैराज वाले कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं. FLT के प्लेयर्स को यहाँ पे जोल्डिंग ने स्पॉट जरूर कर लिया. एक जहर बर्स्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टैप फायर दी. वेजिटो को जरूर स्पॉट किया गया. कोनिया आई डोंट नो व्हाई कनेक्ट नहीं हो पा रही. ऐसी यहाँ पे वेजिटो को कनेक्ट जरूर हुए. 20 HP यहाँ पे वेजिटो को डाउन किया गया. एंड गैसकिंस यहाँ पे निकल रहे थे अपनी बक्की, लेकिन उसी में उनको फिर से 10 HP डाउन कर दिया गया. यहाँ पे आई गेस बूस्टर की वजह से फिर से यहाँ पे गैसकिंस बच जाएंगे, अपनी टीम्स के पास वापस जाएंगे. देखा जाए तो हमारे लेफ्ट में जो कि वेस्टर्न साइड है हमारी केरला स्पोर्ट्स की, वहाँ पे अभी अभी एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाई गई है. आई डोंट नो किस टीम ने मंगाई, बट यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप तो ऑफकोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इस मैच. ऑफकोर्स सामने आपके पास अगर गन फायर अच्छी होगी तो आमने सामने वाली टीम के साथ आप बहुत अच्छी 1v1 फाइट ले पाएंगे. फेवर आपके मतलब ऑड्स आपके जो अगेंस्ट होंगे वो इवन और होते रहेंगे. खैर यहाँ पे टीम नंबर 11 जो भी है हमारी क्रूड्स की टीम, पिछले मैच में मिड गेम में गेम से बाहर हो गए थे. बट देखते हैं इस बार क्या कमबैक कर पाएंगे. अभी तक कोई भी किल नहीं रही है. किल फीड में मुझे अभी तक दिखाई नहीं है टीम. एंड इस टाइम ये लोग शेल्टर पे फाइट ले रहे हैं T4E के अगेंस्ट हमारे जॉर्ड मानव. देन वी हैव स्केरी BTC एंड वी हैव आर काकू OP एंड मानव यहाँ पे स्पाइट को नॉक करने में सक्षम है. ऑफकोर्स इस फाइट में उनका लेवल 3 हेलमेट 80% डैमेज हो चुका है. हेल्थ भी आप लोग देख सकते हैं 10 HP पे बचे, बट नॉक निकाल दिया वहाँ पे. अभी भी टैप फायर करके यहाँ पे नॉक निकालने की पूरी कोशिश करें. बट जॉर्ड आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा आते हुए यहाँ पे रश आता हुआ ग्रिफ इन टू स्पोर्ट्स का यहाँ पे रश आ चुका है. बैड एस OP वामोस यहाँ पे ठीक वैन के पीछे. बैड एस OP अभी भी ब्रोकन वॉल के पीछे बैठे हुए एंड यहाँ पे निकलते हुए
स्प्रे देने की कोशिश, बट राइट हैंड साइड से थर्ड पार्टी होती, टी4ई के प्लेयर्स ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करी, फ्रैग आता हुआ यहाँ पे पैड एसओपी को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही, जीटू की पिल्ला कबर यहाँ पे फ्रैग कनेक्ट होता हुआ एंड मिस्टर विजर्ड को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा। अंदर की तरफ घुस चुके हैं, ऊपर की तरफ रशिंग करते हुए M4 हाथ में है, यहाँ पे और कोई प्लेयर नहीं, तो एक तो यहाँ पे नॉकआउट कर लेंगे। यस मिस्टर विजर्ड को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, स्पाइट को जरूर यहाँ पे स्पॉट किया गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रहे थे। रिफ्लेक्स के प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा पहले पुराना ग्रीन कंपाउंड होता था वहाँ पे होल्ड कर रहा है, वामोस को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया ए बी सर के हाथों एंड आई एम जग ओपी का फ्रैग आता हुआ, बिल्ला ओपी को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। एक फ्रैग और आया यहाँ पे बट कनेक्ट नहीं हो पाया, जी टू सिल्वेस्टर ओवर की तरफ है। ए बी सर की बात की जाए तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है एंड बिल्ला ओपी को यहाँ पे ऑफकोर्स रिवाइव दे देंगे। फ्रैग्स पे फ्रैग्स आते हुए यहाँ पे एंड सिल्वेस्टर वाइटी यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे वी ई 1v1 जॉर्ड को, बहुत ही प्यारी है। M24 चलाते हैं, M24 एंड AKM का कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी क्योंकि ऑफकोर्स हिसाब से क्लोज एंड लॉन्ग रेंज फाइट ही ले पाएंगे, बट मिड रेंज फाइट में आप आई डोंट नो M24 उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर नहीं। फ्रैग को कैन करते हुए यहाँ पे, यस यहाँ पे फ्रैग फेंका गया, आई डोंट नो यहाँ पे फ्रैग कनेक्ट होगा या नहीं, नहीं यहाँ पे सिल्वेस्टर की कोशिश काफ़ी अच्छी रही। स्पाइट की तरफ यहाँ पे एक फ्रैग जरूर किया गया, नहीं ये भी यहाँ पे शॉर्ट रह चुका है फ्रैग एंड 4FC फेकर बॉट यहाँ पे T4E के मानव को फिनिश ऑफ करते हुए, ये फाइट मैंने आई डोंट नो कैसे मिस कर दी। BSUD हितिन यहाँ पे स्केयर BTD को फिनिश ऑफ करते हुए जी ओल्ड सीके को भी यहाँ पे नॉकआउट करते हैं। अंदर की तरफ रशिंग करते हुए फेकर बॉट को यहाँ पे बचाया जाएगा, अंदर अभी बेचारे यहाँ पे ब्रेक फायर थ्री फायर करते हुए एक प्लेयर को फिनिश ऑफ कर दिया, दूसरे प्लेयर को यहाँ पे जंप शॉट देने की कोशिश, लेकिन नहीं यहाँ पे काफी ओपी आते हुए यूरोपी आ चुके हैं, यहाँ पे कर देंगे फिनिश ऑफ यहाँ पे टीम BSUD कर देंगे एक और टीम को गेम से बाहर। चलते हैं टीम G2 की तरफ, कहाँ है हमारी टीम G2, यहाँ पे G2 की फाइट भी खत्म हो चुकी है, यूर एंड स्पाइट दोनों को ही यहाँ यूर कह रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे स्पाइट एंड जग ओपी को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। चार किल्स यहाँ पे ग्रिफिन 2 की टीम लेती हुई, बहुत ही अच्छा रश, मतलब कहूँ मैं कहना चाहूँगा जो परफेक्ट फ्रैगिंग थी, फिर सिल्वेस्टर ने एक नॉक भी निकाल दिया वहाँ पे हमारे T4E के टीम का, तो बहुत ही यू नो दोनों टीम्स के बीच में सैंडविच सिचुएशन हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स ने संभाली वो फाइट को, एक स्क्वाड को फिनिश ऑफ भी कर दी, बट लकी इस मामले में रहे कि 4FC के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे रश मार दिया था T4E के ऊपर एंड वहीं पे उनका डाउनफॉल हो गया, वो काफ़ी सरप्राइज अटैक था उस टीम के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे हमारी T4E के प्लेयर्स फाइट ले रहे थे एंड तभी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने के लिए हमारी टीम 4FC आ गई थी यहाँ पे लेते हुए एंड BSUD हितिन यहाँ पे अपनी कार 98 की चटकी देते हुए ओपनिंग निकल चुकी है गाइस, यहाँ पे बग्गी एंड US लेके सीधा रशियन मारने को आ चुके, बग्गी से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। यस यहाँ पे शॉट पड़ते हुए BSUD हितिन की तरफ शॉट पड़ रहे हैं, बट पूरा राइट हैंड साइड से रोटेट मारते हुए सीधा यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे स्लैम इन मार सकते हैं। यस यहाँ पे स्लैम इन मारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे रिफ्लेक्स के दो प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे प्लेयर्स हेलो जरूर है। फ्रैग को किन किया गया, क्या यहाँ पे फ्रैग कनेक्ट होगा, आई डोंट नो, यस यहाँ पे फ्रैग जरूर किया, बाकी सारे प्लेयर्स नीचे की तरफ आ गए, तो ये काफ़ी अच्छा किया ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स ने, ऑलरेडी नीचे की तरफ चले गए थे। रिफ्लेक्स के प्लेयर्स यहाँ पे अभी भी अपने बान हाउस पे, जो बिग बान हाउस होता है हमारा, वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अब सीर की तरफ एक फ्रैग किया गया बट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रह जाएगा, ये फ्रैग पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे हमारी 4FC की टीम एक नॉक निकालने के लिए, यहाँ पे देखते हैं अभी भी क्या ये टीम कर पाएगी, यानी सेम रश जैसा हमारी G2 की टीम ने किया था हमारी T4E के ऊपर, वही सेम रश यहाँ पे हमें देखने को मिलता हुआ क्रूज के ऊपर, सॉरी T4E हमारी शेल्टर पे थी जो कि 4FC के साथ फाइट ले रही थी, ग्रिफिन 2 ने यहाँ पे क्रूज के साथ फाइट ली, सेम रश है लेकिन इस बार G2 के सारे प्लेयर्स पीछे की तरफ जा चुके, देख के रहना होगा यहाँ पे AV सर को, क्योंकि पीछे की तरफ ऑलरेडी रिफ्लेक्स के दो प्लेयर्स हैं, तो थर्ड पार्टी के उतनी चांसेस बढ़ सकते हैं। M4 यूर यहाँ पे आ चुके हैं राइट हैंड साइड पे, बैड देने की कोशिश लेकिन जंप शॉट आता हुआ पीछे से बैड SOP को, क्या प्यारा कवर आता हुआ, जी चुके AV सर यहाँ पे यूर को फिनिश ऑफ कर देंगे, बैड SOP को अपना किल कंफर्म होता हुआ यहाँ पे। लेवल 2 हेलमेट एंड लेवल 3 वेस्ट आप लोग देखिए, दोनों की दोनों इनकी डैमेज्ड हैं, आई गेस एक एक गोली की ही यहाँ पे बची है उनकी
एंड बिल्ला ओपी विद दैट इनक्रेडिबल डीपी स्प्रे। यहाँ पे एक और नॉक निकालेंगे, बीएसयूडी हितिन का फ्रैग आता हुआ एंड एबी सर यहाँ पे हितिन को फिनिश ऑफ कर देंगे। अभी भी यहाँ पे बात की जाए, फोर एसी के दो प्लेस बचे, फिकर बॉट यहाँ पे ब्रोकन वॉल के पीछे है, बैड एस ओपी राइट हैंड साइड से जा रही, यहाँ पे आएगी सुन पता है फोर एसी के प्लेस, यहाँ पे हितिन को शॉट शूट किया लेकिन यहाँ पे डाउन हो जाएंगे बहुत ही तेजी से। उनके पास ना हेलमेट था एंड वेस्ट थी, वेट नो बबी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे जी क्योंकि बैड एस ओपी को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। ए बी सर एंड पेला यहाँ पे अभी फिकर बॉट के साथ फाइट है, पेला ओपी यहाँ पे आते हुए अपनी जीपी लेके वन वन फाइट लेते हुए टू वन की फाइट होती थी एंड फिकर बॉट को यहाँ पे नॉक आउट कर दिया जाएगा। सिल्वेस्टर वाइट ऑन दी अदर एंड वेट टू के साथ फाइट ले रहे थे एंड उन्होंने भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है। बहुत ही प्यारा गेम प्ले यहाँ पे, ग्रिफिन टू ऑफकोर्स बैड एस को गेम से बाहर होना पड़ जाएगा, एक प्लेयर को यहाँ पे लूज कर चुकी है ये टीम बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग। थ्री मैन स्क्वाड यहाँ पे आगे की तरफ चलेंगे, 11 टीम्स अलाइव, टोटल 40 प्लेयर्स गाइस। आप लोग सोच सकते हो क्या ही खतरनाक फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। गाइस जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए सिल्वेस्टर गेमिंग को, वी आर वेरी क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स, जल्दी से 800 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए यार। बूम बम जोन यहाँ पे एक हार्ड शिफ्ट लेता हुआ नॉर्थ इन साइड जोन गए, एफएलटी के डेथ गॉड ने यहाँ पे एआरसी जतिन को कर दिया है नॉकआउट। ये फाइट हमारी यासना के ब्रिज पे चलती हुई, बहुत ही प्यारी फाइट यहाँ पे आई गेस देखने को मिल गया। डेथ गॉड यहाँ पे अभी भी स्नाइपर टावर में, उनके बाकी टीममेट्स हमारे गैस स्टेशन पे एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रैग है। आरसी जतिन एंड सीएनवाई दोनों को ही लो किया गया, 50-50 एचपी पे एंड बग्गी का कवर मिल रहा है। एक और फ्रैग किया है डेथ गॉड ने, बताया कि थोड़ा सा और पीछे की तरफ कर सकते हैं बट एलिमेंट गबरू यहाँ पे टीएल मास्टरमाइंड को नॉकआउट करते हुए। जल्दी से टीम एलिमेंट की तरफ चलते हैं, कहाँ ले रहे हैं ये फाइट, यासनाया पे ही हमारी फाइट चलती, मुझे पता नहीं था यासनाया पे अभी भी इतने सारे प्लेयर्स अलाइव है। चायरो गॉड यहाँ पे फ्रैग करते हुए गॉड बिल्डिंग की तरफ, नहीं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया, काफ़ी अच्छी कोशिश, यहाँ पे मास्टरमाइंड को नॉकआउट जरूर किया गया था लेकिन वापस से रिवाइव हो जाएंगे। एंड इनका यहाँ पे मास्क बड़ा ही फनी मास्क है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है इस टीम का। बट ऑफकोर्स गॉड बिल्डिंग पे है तो गॉड बिल्डिंग में एलिमेंट आई डोंट थिंक सो इतनी आसानी से रश इन कर पाएगी, बहुत मुश्किल। जो कहते हैं ना कि नहीं करना चाहिए जिस बिल्डिंग में रश, उनमें से एक है हमारी गॉड बिल्डिंग जो कि प्रिजन वाली बिल्डिंग है, बहुत मुश्किल होता है रशिंग करने क्योंकि ऑफकोर्स जो टीम ऊपर की तरफ होल्ड कर रही है उसी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज है इन सेंस ऑफ टीपीपी, इन सेंस ऑफ एनी सेंस, किसी भी आप पर्सपेक्टिव से देख ले हर एडवांटेज यहाँ पे ऊपर जो कैंप कर रही होगी उसी को मिलेगा। अगेन वी आर वेन इल्यूजन यहाँ पे कोरियन स्ले भाई को नॉकआउट करते हुए, टीम कोरियन की तरफ चलते हैं यहाँ पे एनिमी स्पॉट करने की कोशिश एंड यहाँ पे साइकी भी आ चुके, सिन्योर ने यहाँ पे कोरियन स्ले भाई को कर दिया है फिनिश ऑफ। साइकी भी यहाँ पे स्नाइपर टावर में आ गए, नॉट अ वेरी गुड कंपाउंड टू होल्ड क्योंकि स्नाइपर टावर पे लिटरली दो फ्रैग से आप पूरी टीम को फिनिश ऑफ कर सकते चाहे ऊपर या नीचे हो, तो इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट कंपाउंड टू यू नो होल्ड एंड वेट फॉर द जोन। बट बहरहाल यहाँ पे अभी आई गेस जोन की ही इंतज़ार कर रहे हैं, 20 मीटर्स ही इनको जोन में जाना है, दो बग्गीज भी हैं तो आई गेस जोन में भी आराम से निकल ही जाएगी ये टीम। वी आर वन इल्यूजन यहाँ पे ऑलरेडी कोरियन स्ले भाई को अभी भी फिनिश ऑफ किए थे बट उनका किल यहाँ पे चोरी हो गया। टीम आड़ी थी आगे तरफ दिखाई दे रही है, 250 मीटर्स यहाँ पे जोन में भी जाना है। एक्चुअली टीम्स को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी क्योंकि जब से नया अपडेट आया है रैंगल 2.0 का, आप कई लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे यू नो इतने सारे कवर दे दिए हैं पबजी ने। खैर यहाँ पे जोन फिर से हार्ड शिफ्ट लेता हुआ है एंड इस बार साउथ ईस्टर्न साइड गया, पहले हमें नॉर्थ की तरफ गया था एंड इस बार साउथ की तरफ चला गया। पे जोन के बिल्कुल सेंटर में एक हमें एयर ड्रॉप दिख जाती है, इस एयर ड्रॉप में क्रोजा है जंप हाउस में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं F60 की टीम यहाँ पे होल्ड कर रही है, दो प्लेयर्स क्रीम एंड इओजिन हमारे स्क्वाड हाउस में एंड बाकी ओपन कंपाउंड्स में यहाँ पे कार्मा एंड रिक ओ भी दिखाई दे जाते हैं। टीम्स यहाँ पे धीरे धीरे करके जोन की तरफ आ रही है, एलिमेंट एंड टीएल अभी भी फाइट ले रही है बट टीएल आई गेस जोन में अभी भी है। यस गाइस प्रेजेंट बिल्डिंग हमारी जोन में है, प्रेजेंट बिल्डिंग के आउटस्कर्ट्स पे जो हमारी सीमेंट्री एंड हमारे शैक्स होते हैं वो जोन के बाहर है तो एलिमेंट को ये एक दिक्कत हो सकती है। एफएलटी की बात कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा दूर से है ना, जी टू सिल्वेस्टर वाइट यहाँ पे एक
EXT के प्लेयर्स को नॉकआउट कर देंगे। दो प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकड आउट एंड एक्सट्रैक्शन स्केरी भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। टीम अभी भी बची है हमारी एक्सट्रैक्शन की। एक बार उनकी तरफ देखते हैं, ये थी वाइटी नॉकड आउट है तभी अभी को यहाँ पे मिल चुका है रिवाइव एंड बी लैक जायरो गॉड यहाँ पे FLT वेजिटो को नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हुए TL प्रिंस वाइटी ने वहाँ पे किल कंफर्म किया वो वाला एंड RD राजो ने यहाँ पे एक नॉक और निकाला। जल्दी से टीम RD की तरफ भी चलते हैं, यहाँ पर टपाटप नॉक किए जा रहे हैं। फिजन डूब यहाँ पे नॉक आउट है तरफ आते हुए यहाँ पे हार्ड टाइम देते हुए आर्यन स्टाइल की टीम को एंड विक भी यहाँ पे हो जाएंगे नॉकआउट। टीम यहाँ पे ऑन दिए रहने फिल्टी पार सूपी को नॉकआउट करते हुए कोरियन मैडमैन के हाथ से फिनिश ऑफ होते हुए आरटी राजू यहाँ पे कर लेंगे अपना किल कंफर्म गाइस। तो यहाँ पे टीम आयरन स्टाइल मतलब जोन का इतना गंदा डिसएडवांटेज मिलता है ना कई बार, ये रैंगल में बहुत बार हार्ड शिफ्ट हो जाते हैं एंड टीम्स को पता भी नहीं चलता। खैर एलिमेंट के प्लेयर्स यहाँ पर टपाटा फाइट ले रहे हैं हमारी टीम TL के साथ। दे वो पी अपकॉस गेम से बाहर हो जाएंगे। गबरू ओपी यहाँ पे नॉकड आउट एंड क्लॉस एंड जायरो गॉड हील अप कर रहे हैं अभी तो। एंड F60 के प्लेयर्स को देखा नहीं, कार्मा को वहाँ पे बहुत ही अच्छा यू नो व्यू मिल रहा था उनको, वो डिप में बिल्कुल अच्छे से नहीं थे तो इसी वजह से कार्मा को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड अपनी DP 4x से यहाँ पे जहर बर्स दे दिया। दो प्लेयर्स यहाँ पे एलिमेंट के नॉकड आउट है, गबरू एंड उनके टीम मेट यहाँ पे जायरो गॉड, बट रिवाइव देने के लिए आ चुके हैं जायरो गॉड गबरू को। पीछे से अभी भी शॉट्स पड़े हैं क्लॉस को, बहुत ज़्यादा लो किया क्या गबरू को, आई डोंट थिंक सो बचाया जा पाएगा। नहीं, यहाँ पे कार्मा को अपना किल ज़रूर कंफर्म हो जाएगा। 8 टीम्स अलाइव, टोटल 26 प्लेयर्स गाइस, आप लोग सोच सकते हैं फिर से जोन यहाँ पे हार्ड शिफ्ट ले रहा है बार बार नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, भाई कुछ कह ही नहीं सकते हमारा कहाँ जाएगा। इस बार वेस्ट एंड साइड जोन निकल लिया एंड केरला ईस्पोर्ट्स जोन में है। टीम RD के दो RD के प्लेयर्स भी यहाँ पे जोन की तरफ पहुँच चुके हैं बट केरला ईस्पोर्ट्स फिर से यहाँ पे फाइट में एंगेज होती हुई। चारों प्लेयर्स इनके अलाइव में बहुत ज़्यादा खुश होंगे जोन के एज पे भी, यहाँ पे स्पॉट जरूर किया RD के प्लेयर्स को। आई डोंट नो इतने से एरिया में से बुलेट्स पार हो पाएंगी या फिर कि नहीं। स्टिल दे आर होल्डिंग ऑन देश, जो भी हम इस कवर को बोले भूसा जो कि होता है वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। फिशन नूक की बात की जाए तो काफ़ी आगे की तरफ है, फ्रंट में है एंड गाड़ी एंड पेड़ का ऑफकोर्स इनके पास कवर है। हल्की सी रिच भी है जो कि पीछे के थर्ड पार्टी प्लेयर्स के साथ इनको कवर देगी। केरला स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए एंड TL मैड मैक्स यहाँ पे साइकी को करते हुए गेम से बाहर। गाइस वी आर डाउन टू 7 टीम्स, TL स्टार के यहाँ पे नॉकआउट होते हैं। जल्दी से टीम TL की तरफ चलते हैं, कहाँ है जोन से नॉकआउट हो गए एंड इतनी जल्दी गाइस बहुत तेज़ ये टीम वाइप आउट हुई। मतलब केरला स्पोर्ट्स में जब तक स्विचिंग कर रहा तब लग उन लोगों ने पूरी टीम TL को फिनिश ऑफ कर दिया। 4 किल्स और यहाँ पे निकाल लिए इस टीम ने, तो बहुत ही प्यारा जोन यहाँ पे आ चुका है। जोन में पहुँचना होगा, यस यहाँ पे जोन में जरूर पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओपन में हैं जैसे ही मैंने बोला। यस गाइस यहाँ पे RD राजो अपनी स्कारल से कर देंगे नॉकआउट, राजू को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया आदि ने क्या प्यारा गाइस यहाँ पे 2 नॉक निकाले हैं RD के प्लेयर्स के। मतलब आदि ने कतई आग लगा दी यहाँ पे अपनी GP से, जो यहाँ पे हमारी टीम RD सोच रही थी एक तो किल कंफर्म कर ही देंगे वो यहाँ पे हो नहीं पाया। चलते हैं टीम फिजन नूब की तरफ, यहाँ पे RD फिजन नूब की तरफ यहाँ पे आते थे एक गेम का स्प्रे दिया लेकिन नहीं, सन रूप यहाँ पे उनको भी फिनिश ऑफ कर देंगे। RD के प्लेयर्स एक टीम मेट को लूज करते हुए एलिमेंट क्रॉस ऑन दिया था एंड RD राजू को नॉकआउट करते। गाइस यही मैं आप लोगों से कह रहा था कि सेंटर में आप लोगों को बहुत डिसएडवांटेज होगा ही होगा। अब हर टीम यहाँ पे RD के प्लेयर्स को स्पॉट कर रही है, यहाँ पे सैंडविच वाली सिचुएशन बन गई है, हर तरफ से शॉट्स इन्हीं को लग रहे हैं। कवर ठीक ठाक है अगर हम बोलें तो, क्योंकि 3 डायरेक्शन से यहाँ पे कवर दे रहा है बट बीच में जो ओपन स्पेस आ जाता है वहीं से आपको नॉक करने के लिए टीम्स को काफ़ी होता है। यहाँ पे अभी तो एलिमेंट के सारे प्लेयर्स अलाइव है बट यहाँ पे रिकोपी नॉकआउट कर देंगे जायरो गॉड को। F60 के प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके किल्स बटोरे जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3v1 का स्प्लिट है। कार्मा यहाँ पे अपनी US लेके सीधा जोन की तरफ आ चुके हैं, स्क्रीन के पास यहाँ पे स्लैम इन करा है उन्होंने। ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स भी यहाँ पे आते हुए यहाँ पे कार्मा ने देखा नहीं एंड पिल्ला OP के M416 पे से हो जाएंगे नॉकआउट, फिनिश ऑफ भी करते हुए। अभी FST के स्क्रीन के साथ फाइट ले रहे हैं अभी भी टीम्स यहाँ पे, अभी भी बहुत ज़्यादा पोजीशंस को छोड़ने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि जोन यहाँ पे अब आई डोंट नो कहाँ हार्डशिप लेने वाले, सभी
जहाँ भी जा रहे हैं सबको आप लोग देख सकते हैं सैंडविच हो ही रहे हैं। केरला ई स्पोर्ट्स को एलिमेंट एंड आरडी के प्लेयर्स के साथ फाइट लेनी पड़ रही है। F60 यहाँ पे एलिमेंट एंड ग्रिफिन 2 के साथ फाइट ले रहे हैं, जिसके आप लोग देख सकते हैं बिरला ओपी ने अभी अभी F60 के प्लेयर्स को नॉक एंड फिनिश ऑफ किया। बट यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के सनड्रू को अभी अभी नॉकआउट मिल चुका है। ये थी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एंड ओम की चटकी देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन रिज आई डोंट नो इन्हें कितना ज़्यादा कवर थी कि अभी भी शॉर्ट्स पड़ रहे हैं। लेवल 3 हेलमेट वेस्ट यहाँ पे उनका पूरा का पूरा डैमेज है, 20% यहाँ पे दोनों हेलमेट वेस्ट बचे। सनड्रू को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। वी आर डाउन टू 2 टीम्स फ्रॉम टीम एक्सट्रैक्शन, 3 किल्स निकाल चुके हैं अपनी टोटल टीम इनकी। F60 अभी भी अपने पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। सामने पता है ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स हैं। जोन अब बात की जाए तो आरडी के प्लेयर्स के फेवर में बन चुकी है। BRTM तक है यहाँ पे ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स के बाद। बहुत ही खतरनाक क्योंकि एडवांटेज में बोलना चाहूँगा, 2 BRTM है वो भाई। यहाँ पे कतई जो कहते हैं INT से इंस्पायर हुई होगी जो टीम, वो हमारी ग्रिफिन 2 की टीम होने वाली है। 2-2 BRTM भाई जोन में बहुत आराम से बैठे किया। यहाँ पे केरला स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया गया है। केरला स्पोर्ट्स दिक्कतों में बढ़ती हुई, यहाँ पे गैस किल्स आदि लास्ट 2 प्लेयर्स अलाइव। एलिमेंट के क्रॉस यहाँ पे शॉट किया गया, शॉट कनेक्ट करने की कोशिश नहीं, यहाँ पे हल्की सी रेज आ रही है जिसकी वजह से क्रॉस पे शॉट्स नहीं पड़े। प्रोफेन को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। टीम एलिमेंट एंड आरडी दोनों ने ही ऐसा धावा बोला, बट खैर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के येती वाईटी कर देंगे नॉकआउट अपनी ओम से। स्मोक्स कर रहे हैं 70 मीटर जोन पे जाने, जोन यहाँ पे बढ़ता हुआ। ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स बहुत ही आराम से यहाँ पे जोन में पहुँच जाएंगे, बट आई डोंट नो यहाँ पे येती वाईटी का शॉट कैसे कनेक्ट नहीं हुआ। दैट शॉट वॉज रियली वेरी गुड, बट गेम के क्या ही ग्लिच होते। सिल्वेस्टर वाईटी ऑन दी अदर एंड यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन थर्ड पार्टी में स्क्रीन के AKM के स्प्रे में आ जाएंगे हमारे ये प्लेयर। एक टीम और गेम से बाहर होती हुई गाइस। F60 3 प्लेयर्स के साथ अलाइव है। योसिन जोन के बाहर है, रिक ओपी भी अभी तक जोन के बाहर थे बट जोन में आ चुके हैं। G2 के AB सर नॉकड आउट पड़े हैं। आरडी की टीम से भी 3 प्लेयर्स अलाइव। वी आर डाउन टू 5 प्लेयर्स है यहाँ पर। ओपन फायर करेंगे नॉक निकालने की कोशिश, लेकिन वापस कवर में आ जाएंगे। सेंटर में थे जरूर आरडी के प्लेयर्स, बट अभी भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा होल्ड रखा है। देखिएगा इसका एडवांटेज मिला, जोन इन्हीं के फेवर में बच गया। केरला ई-स्पोर्ट्स के Z OLDC के अभी उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। हल्की सी, बहुत हल्की सी यहाँ पे एक डिप एंड जो कि कवर में बोल सकता हूँ वो आ रही है यहाँ पे। G2 के बिरला ओपी यहाँ पे BRTM लेके सीधा अंदर की तरफ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे ओल्ड CK नॉकआउट कर देंगे अलाइव को। फ्रैक्स पे फ्रैक्स आए जा रहे हैं। यहाँ पे BRTM की बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट ब्लास्ट आउट होने वाली सिचुएशन में आ जाएगी। सिल्वेस्टर वाइटी ऑन दी स्क्रीन को नॉकआउट कर देंगे। अब सीन यहाँ पे फ्रैक्स से सीनियर को नॉकआउट करते हैं, वो किल यहाँ पे रिक ओपी ने चुरा लिया। रिक ओपी की तरफ यहाँ पे BRTM आते हैं। यस यहाँ पे BRTM चढ़ाई जरूर है, पहला नॉक। यस यहाँ पे BRTM से नॉक निकाल दिया भाई। बिरला ओपी अपने ही यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस के खेल दिखाते हुए जोन के बाहर जाते हैं, बट यहाँ पे DP से एलिमेंट क्रॉस को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर देंगे। यहाँ पे निकालते हुए शॉट, बट आई डोंट नो ये क्या यहाँ पे गंदा ग्लिच होता हुआ। पबजी का एक और G2 की टीम से अब AB सर लास्ट प्लेयर बचे हैं। बिरला ओपी भी नॉक्ड आउट है। वी आर डाउन टू 4 टीम्स भाई। करते ही पॉल वॉकर बन रहे थे एंड यहाँ पे RT राजू को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। 1v3 की सिचुएशन। केरला स्पोर्ट्स के 1 प्लेयर नॉक्ड आउट हैं। Z OLDC के फ्रंट में आते हुए एंड अब सीर AB सर को देखिएगा इस कितना सा जोन में है। That BRTM move was really incredible, but on the other hand was also naive. मैं कहूँ या वो आप ही लोग डिसाइड करें। कह केरला स्पोर्ट्स यहाँ पे आएगा अपनी टीम जीत को देख रही है। AB सर को यहाँ पे आएगा स्पॉट शुरू किया गया। यस यहाँ पे एंड आदि फिनिश ऑफ भी कर देंगे। बहुत ही प्यारा गेम प्ले केरला स्पोर्ट्स के द्वारा। 8 किल्स के साथ यहाँ पे ले जाएंगे रैंगल के मैच में चिकन डिनर। बहुत ही प्यारा गेम प्ले। बहुत ही प्यारा गाइस यहाँ पे सेकंड ओवरऑल स्टैंडिंग की बात की जाए, ग्रिफिन 2 ई स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पे बहुत किल गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर बात की जाए 2, 4, 8, 15, 13 किल्स के साथ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आते हुए। बहुत ही बढ़िया जो भाई वहाँ पे बिरला ओपी जो BRTM लेके सबके ऊपर चढ़ा रहे थे ना, आई डोंट नो मतलब मोड़ सकते थे वो अपनी BRTM तुरंत, बट तुरंत
गाड़ी से उतर गए एंड उन्होंने वहाँ पे एलिमेंट के क्लॉस ओपी को फिनिश ऑफ किया। खैर ओवरऑल स्टैंडिंग यहाँ पे आप देख सकते, थर्ड पोजीशन पे F60 की टीम विद 6 किल्स, फोर्थ पे आती टीम RD विद 7 किल्स, फिफ्थ पे टीम एलिमेंट विद 3 किल्स, एक्सट्रैक्शन 3 किल्स, सिक्स पोजिशन टीम TL 3 किल्स, सेवन्थ पोजिशन, देन एट्थ पे आती है टीम कोरियन विद 1 किल, नाइन्थ पे रिफ्लेक्स विद 3 किल्स, VR1 1 किल, टेंथ पोजिशन, इलेवेंथ पे है हमारी FTL की टीम 0 किल्स, ट्वेल्थ पे आती है टीम 4FC विद 9 किल्स, देन टीम मिस्टर विजर्ड 0 किल्स, 13th पोजिशन, 14th पे आती है टीम 4E विद 0 किल्स, 4GS 15th पोजिशन 0 किल्स, टीम रेट्री है 0 किल 16th पोजिशन, एंड फाइनली यहाँ पे हमारी यूराई की टीम 0 किल 17th पोजिशन। तो गाइस थर्ड मैच की होती है इसी के साथ एंडिंग, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, एंड अब हम पढ़ेंगे फोर्थ मैच की तरफ। लेट्स सी फोर्थ मैच कैसा होने वाला है, लेट्स सी हाउ द गेम गोज। यहाँ पे अभी टीम्स यहाँ पे कमबैक करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगी। बहुत ही प्यारा गेम प्ले यहाँ पे निकाला हमारी केरला ई स्पोर्ट्स ने, देखते हैं कैसा जाते हैं धीरे धीरे करके, हर मैच में अलग अलग टीम्स जीत रहे, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस हम लोग अब बढ़ रहे हैं अपने फाइनल गेम की तरफ, जो कि फोर्थ मैच होने वाला है हमारा। ये वाला मैच भी इरेंगल ही होगा, बट लेट्स चेक यहाँ पे कौन से ग्रुप का ये मैच होने वाला है, एक बार मैं भी देख लूँ। दिस मैच इज़ गोइंग टू बी ग्रुप सी वर्सेस ग्रुप डी, 8th फाइनल मैच। ओके गाइस, तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट मैच में, मैं भी ज़रा थोड़ा रेस्ट करूं, देखते हैं नेक्स्ट मैच कैसा जाने वाला है हमारा।
Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost. Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost.
Okay, so
हाय गाइस, दिस इज गेमिंग प्रो ओशन एंड आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMGC सेमीफाइनल्स के आखिरी मैच की। देखिए आप लोग, जैसे कि देख सकते हैं इसमें 55 बंदे अलाइव दिख रहे हैं। 10 सेकंड में आपको आपका फ्लाइट पाथ दिख जाएगा, तो तब तक के लिए इंतजार करें। ओ भाई, अच्छा वो मैंने खा लिया, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज। खैर गाइस, यहाँ पे फ्लाइट पाथ की अगर बात की जाए तो प्रिमॉक से शुरू होता वाले पोवका की तरफ तक जा रहा है हमारा फ्लाइट पाथ। बिग क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल डायगनल शिफ्टेड है हमारा फ्लाइट पाथ। एंड यहाँ पे फेरी पेयर, क्वेरी, पोचिंग की फार्म, शेल्टर, प्रिजन एंड मैंशन जैसी जगह दिखाई दी जाती है फ्लाइट पाथ पे। जल्दी से इस फ्लाइट पाथ को अगर एनालाइज किया जाए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साइड जाना टीम्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सेवनी जैसी लोकेशंस पे जाने के लिए आपको व्हीकल्स का सपोर्ट लेना होगा। जहां तक बात की जाए मिलिट्री बेस की, तो यहां पे टीम्स आएंगे आराम से ग्लाइड करके पहुँच सकते हैं। थोड़ा नोवर एपनोए पहुँचने में टीम्स को दिक्कत होगा, सामना करना पड़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे स्कूल की तरफ, एंड्रोजॉक की तरफ, इवन यासनाई की तरफ टीम्स आराम से जा सकते हैं। एक बार जल्दी से स्लॉट लिस्ट इस बार की देख ली जाए, क्योंकि 14 टीम्स हैं हमारे इस ग्रुप के मैच में। सारी टीम्स के प्लेयर्स फुल हैं एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस, आई डोंट नो एग्जिस्टेंस के चार प्लेयर्स क्यों नहीं आ पाए, बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग अपनी UN बॉसेस की टीम को जैसे कि देख सकते हैं मैंशन की तरफ निकल चुके हैं। खैर गाइस, गेम पे आते हैं वापस। ड्रिवन 2 की टीम इस बार मिलिट्री बेस पे उतरी है एंड जोन हमारा सेंट्रलाइज शिफ्ट हुआ है। कोई हार्ड शिफ्ट देखने को मिलता नहीं, जो नॉर्मल हमारा एरेंगल का जोन होता है। एंड रोजॉक पे मुझे क्लस्टर दिखाई दे रहा है, इवन मिलिट्री बेस जहाँ पे हम, वहाँ पे भी काफ़ी सारी टीम्स दिखाई दे रही हैं। तो एक बार जल्दी से ज़रा रोजॉक वाली साइड चला जाए। Teams, total 55 players. I guess चार मैचेस लगातार। लास्ट मैच हमारा इस सेमीफाइनल्स का। रूक चॉम ऑन दिया था यहाँ पे, रेड जोन से नॉक आउट हुआ। आई डोंट नो कैसे यहाँ पे हो गए, बट कुंजी ने गाइस यहाँ पे एक नॉक जरूर निकाला है एंड कुंजी को यहाँ पे नॉक आउट कर दिया गया है। MGM के प्लेस के साथ फाइट देते हुए G2 के पहला ओपी ने भी MGM हाफ ऑफ नॉक आउट से या ड्रॉप शॉट देने की कोशिश। रूक रेज FTW लास्ट प्लेयर बचे हैं, बट वो अपने टीम मेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे हमारी टीम रूक्स के प्लेयर्स को। ये एक यहाँ पे इस टीम के लिए दिक्कत हो गई, काफ़ी अर्ली स्टेज में इन्होंने अपने टीम मेट्स को लूज़ कर दिया। जल्दी चलते टीम MGM के पास। इट इज MGM सासुके को अभी अभी I-47 सर्वेंट ने नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया। एंड बाकी यहाँ पे रैगनर एंड रेकर FTW की बात कीजिए तो यहाँ पे पीछे से शॉट जरूर पड़े हैं। ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स यहाँ पे पीछे पड़ चुके हैं इस टीम के। पूरी कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि इस टीम को रोका जाए, बट बिल्ला ओपी लेफ्ट हैंड साइड से आ चुके हैं। आई डोंट नो रेकर ने स्पॉट किया है नहीं, बट राइट हैंड साइड से G2 के आश आ चुके हैं। शॉट्स कनेक्ट करते हैं, यस यहाँ पे G2 के आश ओपी बहुत ही प्यारी डीपी चलाते हुए एक प्लेयर को नॉकआउट किया एंड बिल्ला ओपी विद दैट PP वाइजन स्प्रे यहाँ पे कर देंगे रैगनर को भी फिनिश ऑफ। तो गाइस 15 टीम के साथ हमने बाई फिनिश ईटिंग एंड टॉक। अच्छा भाई सॉरी भाई, बाद में खाना खा लूँगा यार मैं, मैच पहले निपटा लेते हैं। ग्रिफिन 2 की टीम यहाँ पे बहुत ही प्यार से, मतलब
आप लोग इनकी हेल्थ देखिए, मतलब 100% हेल्थ पे, एक सिंगल डैमेज भी नहीं लिया यहाँ पे किसी भी टीम मेट ने, एंड बहुत ही आराम से एमजीएम के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया। काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, जो मोरल बूस्ट चाहिए होता है टीम्स को कि स्टार्टिंग में यू नो अर्ली फाइट हो जाए, वो फाइट जीत जाए तो नेक्स्ट टाइम आप जो भी फाइट लेते हैं तो यू नो आपको लगता है कि हाँ हाथ गर्म हुए हुए हमारे, अब हम आराम से फाइट ले लेंगे। रोजॉक में हमारी टीम पॉप की फाइट हो रही है टीम स्पेस के साथ, 99 स्टिंग राइट हैंड साइड पे हैं। बाकी मुझे जिहादी एंड जैगुआर एक ही कंपाउंड में दिखाई दे रहे। साई स्काईलार कौन दिया थे ना यहाँ पे, अभी भी राइट हैंड साइड से फ्लैंक मार रहे हैं आई गेस। देखने का गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट डाउन करके बताओ आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीते, क्योंकि इक्वल ही चांसेस हैं, क्योंकि इस बार इरेंगल का मैप आई गेस सबसे फेयर मैप हम इरेंगल का ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत टीम्स को इवन इफ दे आर वेरी गुड टीम्स, अभी भी कई टीम्स को आइडिया बाकी मैप्स का इतना नहीं होता जितना इरेंगल का होता है, क्योंकि इरेंगल का ऐसा लगता है जैसे यू नो कंपलसरी सिलेबस जो होता है स्कूल के स्कूल बुक्स में, जो कि सबको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है इरेंगल का, सबको पता ही होता है। इवन सबसे नूबड़ा बंदा जो कि एक का केडी लेके चलता होगा उसको तक पता होता है कि हाँ एंगल की हर चीज़ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ है। देखते हैं यहाँ पे अभी हमारी पॉप की टीम स्पेस के साथ कैसे फाइट लेने वाली है। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, दोनों ही टीम्स बिल्कुल पेशेंटली फाइट ले रहे हैं, कोई भी ज़्यादा अननेसेसरी पीक नहीं दे रहा है कोई भी, यू नो सब लोग स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले फ्लैंक्स भी मारे जा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस के प्लेयर्स धीरे धीरे करके एक ही कंपाउंड में आ गए, आगे की तरफ रशिंग करने की कोशिश करेंगे। यस यहाँ पे जैगुआर एंड जिहादी ने रश मार दिया है, आगे की तरफ आ चुके हैं कंपाउंड में। पीओपी के आइवर मुझे अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट नहीं है यहाँ पे जिहादी के पास, तो ये एक डाउनफॉल हो सकता है उनके लिए। जैगुआर ने स्टे करने की कोशिश, दोनों ही प्लेयर्स ने यहाँ पे एक दूसरे को नॉकआउट किया। साई क्लार्क लेफ्ट हैंड साइड से आ चुके थे M16 का स्प्रे देने की कोशिश, बट रॉक्शा यहाँ पे 99 स्टिंग को भी नॉकआउट कर दिया। यहाँ पे देखते हैं M16 का बहुत ही प्यारा टैप टैप फायर किया, टीपी का स्प्रे दे रहे हैं सामने की तरफ से, वॉल टू वॉल यहाँ पे जंप टू जंप फाइट हो रही है, नॉक निकालने की कोशिश की गई, वापस अंदर की तरफ आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से शॉट्स पड़ रहे हैं, यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि रिवाइव दे दें। यस यहाँ पे आ चुके हैं रिवाइव दे रहे हैं अपने टीममेट को, सेंड यू टू लॉबी, पूरा घूम के आएंगे यहाँ पे, बट पीछे की तरफ से पॉप रेक्स ने दे दिया है नॉकआउट। स्काई लार्क लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम, पीपी बाइजन एंड उजी का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे सेंड यू टू लॉबी आ चुके थे एंड लिटरली अपने यू नो नाम के ऊपर खड़े होते रहे, सही में यहाँ पे टीम स्पेस को लॉबी में ही सेंड कर दिया, बहुत ही प्यारा गेम। यहाँ पे टीम पॉप रिवाइव दे देगी अपने टीममेट्स को एंड गेम में बढ़ेंगे आगे। रेड सोर भी यहीं पे बन चुका है, बट टीम SSG आई गेस यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहेंगे, सीधा कार लेके यहाँ पे आ चुके हैं। यस यहाँ पे SSG मोफी मर्सी एंड एसिड मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी हिल पे, हमारी रोजॉक की ट्राइंग टू स्पॉट दी एनिमीज। पॉप के प्लेयर्स ने आई गेस ऑलरेडी एक टीममेट को लूज कर चुके हैं, यस यहाँ पे आइवर को लूज करना पड़ गया, बट एनिमीज को स्पॉट जरूर करें। SSG के प्लेयर्स यहाँ पे दिख चुके हैं ओपन रूफ वाले कंपाउंड्स में, जोन की तरफ टीम्स धीरे धीरे आ रही है। आई गेस थोड़ा हमें स्टार्टिंग में ही काफ़ी अर्ली फाइट्स देखने को मिल गई, तो आई डोंट नो एंड में उतनी फाइट्स देखने को मिलेगी नहीं, बट SSG मर्फी मर्सी ने गाइस यहाँ पे सेंड यू टू लॉबी को अपनी टीपी का स्प्रे दे दिया। एक बार मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि मुझे इटरनल ई स्पोर्ट्स की लग रहा है कि हमारी IFS के प्लेयर्स के साथ फाइट हो सकती है, कपकेक्स की तरफ प्लेयर्स जाते हुए इन्फोसिस की तरफ फाइट्स होती, बट सिंस टीवी यहाँ पे ETR फोर्सेस DK को कर देंगे डाउन। वंश आगे की तरफ है, वंश को अभी भी स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं 3 फ्लोर बिल्डिंग में, हमारे वंश ऊपर की तरफ रशिंग करते हैं। IFS एस की बात की जाए तो यहाँ पर रशिंग करने को आ चुके पीपी बाइजन एंड UMP का कॉम्बिनेशन, फ्रैक को किन करते हुए वंश फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख रहा होगा नहीं यहाँ पे फ्रैक को कर रहे थे बट वापस से कैंसिल कर दिया। ETR फोर्सेस आर के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, DK अभी नॉकडाउट हैं, रिवाइव अभी तक नहीं मिला है।
आर के आगे की तरफ आते हुए यहाँ पे फ्रैग को किंग कर लिया है, नीचे की तरफ फ्रैग फेंके तो बहुत ही सही रहेगा, बट ये क्या फ्रैग किया उन्होंने मुझे समझ नहीं आया। एक फ्रैग और करते हुए यहाँ पे वंश को कॉल आ गई होगी कि नीचे की तरफ बिल्कुल भी ना आए, स्मोक्स किए जा रहे हैं यहाँ पे वंश को बचाने के लिए। नीचे की तरफ उनके टीम मेट्स एंड वंश यहाँ पे कूद चुके हैं, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आई गेस सही डिसीजन लिया गया। ई टी आर फोर सिंस पी के ऑन दिए दे रहे हैं, टी के को यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, यूट्यूब सिंस टी वी को यहाँ पे स्पॉट किया गया। आगे तरफ जिकल देते हुए आ रहे हैं, गेम का स्प्रे किया लेकिन नहीं यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा, टी के ऑन दिए दे रहे हैं यहाँ भी नॉकआउट हो जाएंगे। सिंस टी वी ने बहुत ही प्यारे दो नॉक निकाले लेकिन वंश विद दैट इनक्रेडिबल स्कारल स्प्रे यहाँ पे अपने टीम मेट्स को बचा लेंगे। ऊपर अभी भी बालकनी में होल्ड कर रही है हमारी ईटीआर फोर्सेस की टीम, पॉप रेक्स ऑन दिए दे रहे हैं, जैसे जी एसिड को फ्रैग से कर देंगे नॉकआउट गाइस। अभी ये वाली फाइट भी देखना होगा, वंच यहां पे नॉक निकालते हुए यस यहां पे कर देंगे अपनी एक गेम से नॉकआउट। आर के ऑन दिए दे रहे हैं, अभी फ्री फायर देते हुए नीचे की तरफ घुसे हैं, यस उन्हें पता था बहुत लो होंगे टीम एंड यहां पे टीम INIFS को कर देंगे गेम से बाहर। तीन किल्स यहां पे कंफर्म करते हुए टीम एसएसजी के पास जल्दी से चलते क्योंकि यहां पे ये लोग टीम पॉप के साथ फाइट ले रहे हैं। यस ताने ओपी ने यहां पे सेंड यू टू लॉबी को कर दिया है नॉकआउट। स्टिल यहाँ पे फाइट अभी भी चल रही है टीम पॉप की टीम से, और रेक्स एंड रॉक्शा लास्ट टू प्लेयर स्टैंडिंग एंड रूफ पे अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एस टीपीपी का पूरा फायदा मिलता हुआ इस टीम को अभी भी। ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ पे फ्रैग किया गया है दोनों ही टीममेट्स को यहाँ पे, आई गेस 10 HP यहाँ पे हमारे टीम हो प्लेयर हो चुके हैं। SSG है एसिड यहाँ पे 10 HP हो चुके हैं, फ्रैग आई गेस उनका ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया। टपा टप यहाँ पे फ्रैग्स किए जा रहे हैं, एक फ्रैग अगर प्रॉपरली ऊपर की तरफ किया जाए तो यहाँ पे पॉप के प्लेस को नॉकआउट कर सकते हैं। एसएचजी एसिड ऊपर की तरफ घुसते हुए पहला ब्लॉक निकाला यहाँ पे रेक्स ने, दूसरा नॉक तीसरा नॉक भी निकाल दिया। मर्सी यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे, मर्सी नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे लेकिन टीम मेट्स ने हटका दिया। गाइस ये क्या हुआ यहाँ पे तीन प्लेयर्स को क्या प्यारा नॉक, टपा टप नॉक किया गया। फर्स्ट एड पॉप इन कर ली है ऊपर की तरफ हमारे पॉप टीम पॉप ने, गाइज यहाँ पे क्या ही गेम खेल गए। रेक्स को नॉकआउट जरूर किया गया था लेकिन वहाँ पे SSG तीन प्लेयर जो टपा टप नॉक होते चले गए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मौसी यहाँ पे हील अप कर चुके हैं, पहले टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देते हुए दूसरे को भी यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं। रुके हुए यहाँ पे ताने ओपी हील अप करते हुए क्या यहाँ पे बच पाएंगे, ताने ओपी यहाँ पे पहला नॉक निकालते हुए दूसरा नॉक निकाल पाएंगे यानी यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए वापस से मिनी निकाल लिया यहाँ पे रेक्स को, तो यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। M4 वापस से यहाँ पे करते हुए मौसी यहाँ पे ड्रॉप शॉट देते हुए यस यहाँ पे रॉक्शा को भी कर दिया जाएगा फिनिश ऑफ। टीम SSG यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्लच करती, क्लच क्या मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे तीन प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करती, बट वी हैव टू से वो ऊपर जो फाइट हुई रूफ पे वहाँ पे टीम पॉप इनक्रेडिबल, दे वर रियली इनक्रेडिबल। मतलब SSG को एक टाइम को खतरा मंडरा गया होगा, आई गेस वहाँ पे ऑलरेडी पॉप रेक्स को रिवाइव देने के बजाय अगर रशियन वहाँ पे करती टीम पॉप तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट एनीवेज दे ट्राइड देयर बेस्ट, बहुत ही अच्छा कह रहे हैं। यहाँ पे आते अंडरडॉग्स की तरफ क्योंकि अंडरडॉग्स अभी फाइट ले रहे हैं टीम जंगली के साथ। पेट्रो नॉकड आउट है, वॉलरस भी यहाँ पे नॉकड आउट पड़े हैं बालकनी में होल्ड करते हुए। बाकी तो बाघ एंड आदित्य यहाँ पे फ्रैग किया है सेफ रूप की तरफ, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कनेक्ट हो पाएगा, नहीं कोई भी प्लेयर नहीं था। पेट्रो को यहाँ पे रश आई गेस रिवाइव दे रहे हैं, यस यहाँ पे अभी रिवाइव देने के लिए आ चुके हैं, ब्रोकन वॉल पे बैठे हुए हैं। अभी भी पेट्रो को रिवाइव जरूर मिल जाएगा। बीस्ट ऊपर की तरफ नीचे अभी भी बैठे हुए हैं, GOD बीस्ट का यहाँ पे फ्रैग यस कनेक्ट हो जाएगा। एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर देंगे, रश एंड बीस्ट को यहाँ पे कॉल आ गई होगी, रश एंड कर दे या फ्री फायर देते हुए एक प्लेयर को नॉकआउट करेंगे, यस यहाँ पे नॉकआउट कर देते हैं, फिनिश ऑफ भी कर देंगे एंड यहाँ पे आ चुके हैं स्पॉट के क्या रीलोड पे लग चुकी थी यूडी रश की गन। यहाँ पे अगर रीलोड पे नहीं होती तो आई गेस ऑफकोर्स फिनिश ऑफ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई गेस पेट्रो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। यस यहाँ पे आदित्य ओपी का किल कन्फर्म होता हुआ पेट्रो को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। बीस्ट एंड रश क्या यहाँ पे एक क्लच कर पाएंगे, वैसे क्लच तो नहीं, आई मीन 2v2 की फाइट है। सेतन ओपी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो भी ब्लीड आउट हो जाएंगे। इट्स वॉलरस आदित्य वर्सेस यूडी बीस्ट एंड यूडी रश, अपनी अपनी पोजीशंस पे होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर चाहे तो बालकनी से यू नो व्यू मिल जाता है नॉक निकालने का। स्मोक्स कर दिए गए हैं, एक वहाँ पे ओपन फायर अगर स्मोक में कर दी जाती तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन अभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से हिलने का नाम नहीं ले रही है दोनों ही टीम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक फ्रैग पीछे की तरफ एंड दे कैन डू सम वंडर्स,
स्टिल होल्डिंग, पता है ऊपर की तरफ दो प्लेयर्स हैं, बाकी दो प्लेयर्स को बहुत ही अच्छा किया। बट अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होता तो आदित्य ओपी की पूरी पूरी बॉडी स्टेयर केस पे दिखाई दे रही थी, एंड वहाँ पे थोड़ा यू नो कह सकते हैं हल्का सा ब्लंडर हो गया वहाँ पे यूटी रश के हाथों, वरना अगर उनकी गन रिलोड पे नहीं होती तो ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, एंड आदित्य ओपी को वहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट कर देते। मौली करी गई है, एक वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई और टीममेट तो नहीं है, बट यहाँ पे ऑफकोर्स मौली कनेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि आई गेस एटलीस्ट हर कॉर्नर पे यहाँ पे यूडी के प्लेयर्स ने बालकनी को पूरा स्पॉट कर लिया। तो बालकनी में कोई नहीं है, यहाँ पे अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक फ्रैग करते हुए, बहुत ही प्यारा फ्रैग था, आई गेस एक रिबाउंड फ्रैग यहाँ पे अगर आ जाए रूफ से बहुत ही प्यारा रहेगा गाइस। यहाँ पे यूडी के प्लेयर्स एक फ्रैग और करते हुए आदित्य ओपी को यस यहाँ पे डाउन किया जा रहा है। 50 HP पे उन्हें रोक दिया गया है। बीस्ट यहाँ पे टमाटर फ्रैग कर रहे गाइस, बहुत ही यहाँ पे ये लड़का पूरा मतलब जो एफर्ट्स के मामले में ना यार बहुत ही कमाल। यहाँ पे यूडी बीस्ट रश करते हुए एक गेम पे किया, यस यहाँ पे एक नॉक निकाल दिया यूडी बीस्ट ने घुसते हुए अंदर की तरफ जंप शॉट देते हुए, यूडी बीस्ट यहाँ पे सेकंड किल भी निकाल दिया। यही कॉम्बिनेशन चाहिए था गाइस, यही टीम की सिनर्जी चाहिए थे। बीस्ट वहाँ पे पीछे की तरफ आगे की तरफ रशिंग करेंगे एंड रश पीछे से कवर देने के लिए, बहुत ही प्यारा। टीम अंडरडॉग्स यहाँ पे जंगली को कर देगी फिनिश ऑफ, चार किल्स यहाँ पे कंफर्म करती हुई 9 टीम्स अलाइव, टोटल 29 प्लेयर्स गेम में आगे बढ़ेंगे। एंड जोन यहाँ पे वेस्ट एंड साइड शिफ्ट लेता हुआ, थोड़ा सा यूएन बॉसेस की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज है हमारे एयर ड्रॉप के पास, एंड एयर ड्रॉप में हमारी ओम है जो कि हर टीम को होता है कि होनी ज़रूरी है। SSG के प्लेयर्स भी यहाँ पे, तो पोचिंकी के आउटस्कर्ट्स पे हमारी एक एयर ड्रॉप आती है। सारी टीम्स की बात की सब जोन में ही है, पोचिंकी के आउटस्कर्ट्स पे ही है। पोचिंकी चारों तरफ कोई ना कोई टीम आपको दिखाई दे जाएगी। I-47 मुझे इस टाइम दिखाई दे रही है, आई गेस 3 compounds, 4 compounds जो होते हैं हमारे, येस गाइस वहाँ पे है। देन पोचिंकी स्क्वाड हाउस में हमारी SSG की टीम, UN बॉसेस की पोचिंकी से वेस्टर्न साइड में है। देन G2 की टीम डबल बान हाउस की तरफ जाते हुए, जो कि कपकेक से हमारे ETR फोर्सेज ऑन डबल बान हाउस ऑफ पोचिंकी, टू डबल बान हाउस जो होते हैं हमारे पोचिंकी के। अंडर डॉग्स हमारी ऑफकोर्स स्कूल स्क्वाड हाउस पे, एंड रूइंस की मेन कंपाउंड्स में आई गेस हमें एग्जिस्टेंस की टीम दिखाई दे जाती है। यस ये रहे रूइंस पे हमारी टीम एग्जिस्टेंस। गाइस जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। सिल्वेस्टर गेमिंग को 792 हो चुके गाइस, कैन वी हिट 800 सब्सक्राइबर्स टुडे गाइस, 800 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार आज, 8 सब्सक्राइबर्स की और बात है, जल्दी से। खैर शिकारी की तरफ देखते हैं गाइस यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहा हूँ। शिकारी यहाँ पे टीम हमारी रुइंस के मेन कंपाउंड्स को होल्ड करते हुए, 2 compounds जो हमारे यहाँ पे होते हैं रुइंस के नॉर्थ एंड साइड पे, वहाँ पे हमारी टीम एग्जिस्टेंस दिखाई दे जाती है। तो अभी तो गाइस जोन हमारा ईस्टर्न साइड गया है, पोचिंकी की नॉर्थ एंड साइड है, काफ़ी सारी टीम्स ऑलरेडी जोन में हैं। G2 की टीम मुझे साउथ एंड साइड से एंटर करते हुए दिखाई दे रही है। ETR फोर्सेस भी यहाँ पे स्कूल के पास जो हमारे स्क्वाड हाउस होते हैं वहाँ की जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। SSG भी वहीं पे जा रही गाइस, क्या क्लस्टर बन रहा है यहाँ पे, कितनी सारी टीम्स यहाँ पे SSG की टीम आ चुकी है हमारे स्क्वाड हाउस में। ETR फोर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं, बट वंश ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है एसेट को, फिनिश ऑफ भी कर दिए हैं गाइस। दिस फाइट इज गोइंग टू बी ग्रेट, एंड यहाँ पे SSG मर्सी को बहुत ज़्यादा लो किया गया। ताने ओपी ऑन द अदर एंड ETR फोर्सेस PK को नॉकआउट कर देंगे। इट्स ETR फोर्सेस वर्सेस
SSG वंश ऊपर की तरफ रशिंग करने जा रहे थे, उन्हें पता है अब यहाँ पे कोई नहीं है, स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन। हाई पोपी राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ बैठे, पर यहाँ पे एक नॉक निकल जाएगा ताने ओपी का और फोर्स इंसार के को नॉकआउट कर दिया गया है। रिवाइव दे रहे हैं यहाँ पे, रिवाइव देना आएगा ठीक नहीं, बट यूडी रश यहाँ पे हाइप ओपी को नॉकआउट कर देंगे। आते हुए नीचे की तरफ ताने ओपी भी यहाँ पे हो जाएंगे नॉकआउट वंश के हाथों। रिवाइव मिलता हुआ इस टीम को, एसएचजी मर्सी यहाँ पे फाइनल किल भी हो जाएंगे फोर्सेंस टीके के हाथों। तो ईटीआर फोर्सेंस यहाँ पे बहुत ही बकायदा अच्छा गेम प्ले खेलती हुई गई, चार किल्स और बटोर लेंगे। पीके को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा एंड छः किल्स ले चुके यार ऑलरेडी, टीम बहुत कतई ओपी खेल रही है। रूक के रेज FTW सोलो प्लेयर अपनी टीम से जॉर्ज पुल हिल पे अभी होल्ड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अभी जोन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जोन आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कितने हर मतलब हर एक कंपाउंड में ऑलमोस्ट कोई ना कोई टीम है। पोचिंग की में एक भी टीम नहीं, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं है कि पोचिंग की जोन जाएगा, सबको लग रहा है नॉर्थ या ईस्टर्न साइड पर ही जोन निकलेगा। देखते हैं फिर कैसा जोन बनने वाला है हमारा। G2 की टीम ऑलरेडी हमारी वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस पे होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन, मतलब वाटर सिटी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। आई नो वाई, मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि हमारी ऑरेंज रॉक की लोकेशन यही है, इवन वर्ल्ड लीग में भी वो लोग वाटर सिटी ही उतरते हैं। एग्जिस्टेंस ऑन द अदर एंड यहाँ पे अभी रूइंस पे होल्ड कर रही है, अभी भी निकलना नहीं चाह रहे हैं वहाँ पे, बट रूइंस के आई गेस चर्च पे होल्ड कर रहे होंगे, रूइंस के हिल पे। ओके चर्च हिल एक ही बात हो गई क्योंकि बिल्कुल आमने सामने ही है, काफ़ी अच्छी लोकेशन ये भी है यार, क्योंकि रश मारना एक्चुअली इस पर थोड़ा मुश्किल भी होता है। एंड आप लोगों को अगर पता ना हो तो यहाँ पे एक जगह ऐसी है, दिस लोकेशन, दिस लिटरली इज़ द पोजिशन वेयर कोई आपको कुछ मतलब अगर किसी को पता ना हो ना कि आप कहाँ, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, या किसी को लोकेशन ना बतानी हो चुपचाप बस, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ आना भी मुश्किल होता है। और हाँ फ्रैग्स आ सकते हैं, रिबाउंड करके कोई फ्रैग फेंकेगा तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट एनीवेज पोजीशन बहुत अच्छी है, यह रैंक पुश करने के लिए लोग बहुत यहाँ पे आते हैं मैंने देखे हैं। रूक रेज यहाँ पे जोन के एज पे तो हैं, 270 मीटर जोन में जाने, जोन का है जोन यहाँ पे वाटर सिटी की तरफ बनता हुआ, बहुत खुश होने वाली यहाँ पे टीम सबको, मतलब यार इन सब की वो सोचो आप, जोन प्रेडिक्शन एक भी टीम पोजिंग की नहीं गई, नॉट अ सिंगल टीम, सबको पता था या तो नॉर्थ जाएगा या ईस्ट जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनेगा, साउथ अब जोन जाएगा ही नहीं। तो ये आप लोग यार देख के बता सकते हो कितनी एक्सपीरियंस्ड टीम्स आई हैं, सबको पता है कि कैसे कैसे गेम होगा, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यार, मज़ेदार। टीम शिकारी की तरफ चलते हैं एक बार, क्योंकि रूइंस के हिल पे यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आ चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर कवर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने ड्रिल्स देखे होंगे, स्पेशली मैं स्नैक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो स्नैक्स की ड्रिल्स में भी, इवन स्नैक्स भी हमेशा कहता है कि हमेशा कवर आप गाड़ियों से बना रहे तो वी शेप का कवर बनाए, वी शेप का कवर हमेशा बेस्ट रहता है, डोंट मेक एनी एल शेप का भी वैसे यस आप बना सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि वी शेप का बनाए, क्योंकि वी शेप का कवर बहुत सटीक होता है। आपको ऐसे भी नहीं करना कि आप चारों तरफ से खुद को ब्लॉक कर दो, क्योंकि एक भी अगर फ्रैग आ गया तो आपको निकलना कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे शिकारी भरत कर देंगे यूडी के बीस्ट को नॉकआउट, फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे यूडी, रश लास्ट प्लेयर बचे हैं एंड यहाँ पे वाटर सिटी के ब्रिज पे अभी होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन दिक्कत हो सकती है क्योंकि ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स ऑलरेडी स्क्वाड हाउस में है एंड सबसे डायरेक्ट वहाँ पे उनकी रश के पास ही जा सकती है नज़रें। यूएन बॉसेस आप लोग देख सकते हैं अभी भी स्नाइपर टावर के ठीक सामने की तरफ होल्ड कर रहे हैं, बाकी दो प्लेयर्स हमारी वाटर सिटी पे हैं, पूरा घूम के आना होगा। कुरकुरे ओपी एंड ऐश ओपी ने यहाँ पे साइको एंड क्रैकन को जरूर स्पॉट किया हुआ है। दीपू यहाँ पे आते हुए वेनम सीधा आ चुके हैं यहाँ पे,
यस यहाँ पे एक स्लैमिन जरूर आया है, बट सीधा यहाँ पे यूएन के प्लेयर्स घुस चुके हैं एंड उनको पता नहीं अब कैसे जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर यहाँ पे पीछे से ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स ने स्पॉट कर लिया होता ना, तो यहाँ पे डीपू एंड वेनम दोनों नॉकआउट हो सकते। खैर यहाँ पे उतना गौर नहीं किया जी 2 के प्लेयर्स ने, बिल्कुल भाई पानी के ऊपर से चढ़ा के ले गए यहाँ। बहुत सही शिकारियों ऑन दी अदर एंड यहाँ पे अभी हिल पे कवर कर रहे हैं जी 2 के प्लेयर्स। यहाँ पे फ्रैग्स करते हुए साइको को नॉकआउट करने की कोशिश भी, लोपी का भी बहुत ही प्यारा फ्रैग आया था बट सिल्वेस्टर यहाँ पे क्रैकन को कर देंगे नॉकआउट। एक फ्रैग और आता है टपा टप फ्रैग। हाँ गाइस 26 लाइक्स हो चुके हैं, प्लीज़ 4 मोर लाइक्स टू को, जल्दी से 30 लाइक्स कर दीजिए। बोम्बा फ्रैग आता हुआ यहाँ पे पूरी कोशिश, सिल्वेस्टर वाइट यहाँ पे रशिन करने को आ चुके हैं, यूएन के प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है। आगे की तरफ जा रहे हैं क्रैकन को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, पानी में जा रहे हैं इस वजह से फुटस्टेप्स ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत ही साफ साफ पता चल गए होंगे सिल्वेस्टर वाइट के। बिल्ला ओपी आ चुके हैं यहाँ पे कवर देने के लिए, ऊपर की तरफ जाते हुए अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स में एंड बिल्ला ओपी ऊपर की तरफ रशिन मारते हुए रूफ पे जा चुके हैं। यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं मिला बट राइट एंड साइड से थोड़े यहाँ पे प्री फायर करी थी सिल्वेस्टर वाइट ने, पता है कि डबल बान हाउस में आप घुस चुके हैं हमारी अंडरडॉग यूएन बॉसेस की टीम। फ्रैग करते हुए यहाँ पे सिल्वेस्टर वाइटी यहाँ पे फ्रैग किया है क्रैकन को यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई कितना डैमेज नहीं मिल पाया, नीचे की तरफ था आई गेस इसी वजह से। एक फ्रैग हो रहा एंड क्रैकन यहाँ पे उल्टा जी 2 सिल्वेस्टर वाइटी को कर देंगे नॉकआउट। बहुत ही बढ़िया फ्रैग एंड जी 2 एश ओपी विद दैट वेरी गुड कवर फायर, दीपू को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर देंगे। तो यूएन बॉसेस को उल्टा यहाँ पे एक लॉस हो गया, उन्होंने अपने एक टीममेट को यहाँ पे लूज कर चुके हैं। सिल्वेस्टर वाइटी ऑन दिया दरान यहाँ पे नॉक आउट है बट रिवाइव भी उनको तुरंत ही मिल चुका है, मेड किट है सबसे बड़ी बात, तो 100% हेल्थ पे वापस आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। बिल्ला ओपी ऑन दिया दरान रूफ पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे हमारी डबल बान हाउस की, शिकारी यहाँ पे लूट करते हुए इस ड्रॉप को लूट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी डिप यहाँ पे होल्ड कर रही है, सेंटर में है बिल्कुल जी 2 बेला ओपी ऑन दी अदर एंड यूएन वेनम को नॉकआउट करते हुए फिर से टीम जी 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे रश आ चुका है टीम जी 2 का ऑलरेडी, यूरी क्रैकर यूएन क्रैकर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं जल्दी। साइको आई डोंट नो अभी साइको की लोकेशन कहाँ है, साइको नीचे की तरफ हो गए क्रैकर के ऊपर, इतने सारे प्लेयर्स रश करने को तैयार। यहाँ पे कुरकुरे ओपी लेफ्ट एंड साइड जा चुके हैं गाइस, यहाँ पे बालकनी से रशिन मारेंगे यहाँ पे नॉक निकाल पाएंगे यानी पैरल चेंज करती यहाँ पे M4 निकाल लिया गाइस, यहाँ पे गड़बड़ कर बैठे, 24 गोलियाँ थी वहाँ पे पैरल में, अगर पैरल चेंज नहीं करते तो ज़्यादा साइको ओपी को भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उन्होंने उजी से अपने एक डाउन यहाँ पे एश ओपी को डाउन शुरू किया बट सिल्वेस्टर वाइटी का बहुत ही प्यारा यहाँ पे कवर आता हुआ फिनिश ऑफ कर देंगे टीम यूएन बॉसेस को। इनक्रेडिबल जी 2 की टीम इनक्रेडिबल, यहाँ पे अभी तक जितनी भी फाइट्स यहाँ पे जी 2 की टीम ने ली है सारी फाइट्स इन्होंने कॉन्कर करी हैं, सारी फाइट्स इन्होंने जीती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। ETR फोर्स ऑन दिए यहाँ पे फाइट लेते हुए FNF सामने आके यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए वन शॉट दिए यहाँ पे 47 सर्पेंट को कर देंगे नॉकआउट। किसी की तरफ से शॉट्स पड़ते हुए रूक रेज FTW यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए फिनिश ऑफ कर दिया है सरपेंट को, किल चुरा लिया यहाँ पे ETR फोर्स का, स्मोक्स कर दिए गए। शिकारी की टीम भी नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं, ETR फोर्स काफ़ी ज़्यादा दूर है अभी तो, रोजॉक की हिल से आ रहे हैं अब एंड फ्रैग आता हुआ शिकारी मिक्की का एंड जी ब्लैक को यहाँ पे नॉकआउट कर देगा ETR फोर्स आती यहाँ पे एम्फो का स्प्रे दिया लेकिन नहीं, मिक्की का पीछे से आ गया कवर फायर आके यहाँ पे स्मोक्स करते हुए अपने टीममेट के लिए, मिकी को यहाँ पे किल कंफर्म होता हुआ एंड 47 रीपर को भी फिनिश ऑफ कर देगा मिकी, यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे आरके को अपनी M249 से एंड फोर्सेस PK यहाँ पे मिकी को कर देंगे डाउन। वॉइड की तरफ देखते हैं यहाँ पे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बन रहा होगा, UMP एंड उजी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, पीछे की तरफ भरत भी है कवर देने के लिए बट भरत अभी थर्ड पार्टी से अपनी टीममेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हीकल्स के टायर्स यहाँ पे पॉप आउट कर दिए गए हैं, रूक रेज ओपन में चाहते हुए एक एम कस्ते दे रहे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे फिनिश ऑफ कर देंगे बहुत ही प्यारा। वॉइड की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से, रिवाइव दे दिया अपने प्लेयर्स को, यस यहाँ पे उजी वापस रीलोड कर रही है, एग्जिस्टेंस स्टॉर्म ऑन दिया जी 2 को तरफ नॉक एंड फिनिश ऑफ करते हुए वंच को यहाँ पे शॉट देने की कोशिश की गई है। जल्दी से टीम ग्रिफिन की तरफ चलते हैं यहाँ पे कैसा गेम प्ले खेलेगी ये टीम क्योंकि बहुत देर से फाइट्स ले रही है एग्जिस्टेंस के साथ। रात यहाँ पे नॉक आउट है, जैगर की तरफ शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, रात ऑन दिया यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं अपने टीममेट को, एक स्मोक आगे की तरफ जरूर किया है उन्होंने, ऊपर की तरफ
ग्रिफिन 2 के प्लेयर्स आ चुके गाइस, यहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती है। सिल्वेस्टर वाइटी को यहाँ पर रिवाइव मिलता हुआ, बिल्ला ओपी अगर ठीक इस हिल से नीचे की तरफ देखे तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे फ्लैंक एंगल निकल जाएगा, नॉक्स निकाल सकते हैं, एग्जिस्टेंस का यहाँ पे एंड हो सकता है इससे। यस बिल्ला ओपी ऊपर की तरफ से जाएंगे, यहाँ पे क्या नॉक निकाल पाएंगे, हल्का सा नीचे की तरफ देखना, यहाँ पे मॉल निकाली जरूर थी, लेकिन ईटीआर फोर्सेस ठीक है यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आते हुए। जी2 के सिल्वेस्टर वाइटी को नॉकआउट कर चुके हैं, शिकारी वॉइड ऑन द अदर एंड वंश के आगे नॉकआउट होते हैं। एफ4 एक्सेस स्पेस क्या है यहाँ पे, एक्सी ट्रैक के ऊपर एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एश ने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर दी, फिनिश ऑफ कर देंगे यहाँ पे। बिल्ला ओपी ऑन द अदर एंड वापस यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए, 13 मीटर जोन में जाना है, जोन में पहुंच जरूर जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओपन में है। यहाँ पे जी2 एश को भी एक्सिस्टेंस रात नॉकआउट कर देंगे, स्मोक किया गया है यहाँ पे एक्सिस्टेंस के प्लेयर्स को, अभी भी स्पॉट करने की कोशिश यहाँ पे अभी भी होल्ड कर रहे हैं। जी2 एश यहाँ पे नॉकआउट पड़े वहाँ पे देते हुए उनको कॉल है, यहाँ पे जोन से फिनिश ऑफ हो जाएंगे। वन शॉट दिया दे रहे हैं, शिकारी मिक्की को नॉकआउट करते हैं, वॉइड को भी, बट शिकारी पर यहाँ पे एटीआर फोर्सेस पीके को कर देंगे वे नॉकआउट। वंश यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं, डीके ऑन दी अदर एंड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, डेप में अभी भी बैठे हुए हैं। शिकारी भरत ऑन दी अदर एंड यहाँ पे अभी भी ऊपर की तरफ बैठे हुए, उनके लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम से। वी आर डाउन टू 4 टीम्स, टोटल 7 प्लेयर्स अलाइव। ईटीआर फोर्सेस की तरफ एक फ्रैग और आ गया तो यहाँ पे पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो सकती है। यहाँ पे मॉली करी गई है, जंप मॉली करी, आई डोंट नो कनेक्ट हो पाएगी, यानी एक मॉली और करी गई। यहाँ पे फ्रैग्स एंड मॉली बहुत सारी हैं इस प्लेयर के पास, मॉली करेक्ट हुई। वन आई डोंट नो व्हाई खुरतू थी मॉली की तरफ चलेगा, यहाँ पे 30 HP डाउन, 20 HP एक्चुअली डाउन हो चुके, स्मोक किया गया पीके की तरफ। एंड G2 के बिल्ला यहाँ पे अभी फाइट ले रहे हैं, लेंगे नहीं यहाँ पे रात स्पॉट आउट कर लेंगे। एग्जिस्टेंस नटक्रैकर को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, शिकारी भरत यहाँ पे अपनी टीम से लास्ट प्लेयर बचे, एग्जिस्टेंस के 2 प्लेयर्स एंड ईटीआर फोर्स इनसे 3 प्लेयर्स अलाइव गाइस। 3v2v1 सिचुएशन, वन ओपन पे भागते हुए यहाँ पे पीछे दिखा के भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पे वापस से कवर फायर आता हुआ डीके का, टीके पीके स्टिल स्टैंडिंग। यहाँ पे स्मोक फ्रैग किया था एक, लेकिन शिकारी काफ़ी पीछे की तरफ से यहाँ पे बग्गी में बैठ चुके हैं, आई डोंट नो बग्गी में क्यों बैठे, यहाँ पे दिक्कतें पड़ सकती हैं। यस यहाँ पे दिक्कतें पड़ती हुई एक्सिस्टेंस के प्लेयर्स ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया, नट क्रैकर यहाँ पे उन्हें कर देंगे फिनिश ऑफ। इट्स 3v2v सिचुएशन, यहाँ पे नट क्रैकर की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा लो है। वंश ईटीआर फोर्सेस पीके एंड ईटीआर फोर्सेस डीके लास्ट 3 प्लेयर्स एंड यहाँ पे रात को नॉकआउट कर दिया है पीके ने, बहुत ही प्यारा गाइस। नटक्रैकर लास्ट प्लेयर बचे हैं अपनी टीम से, क्या यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। फर्स्ट एड पॉप इन कर लिया रिवाइव देते हुए अपनी टीम मेट्स को, यहाँ पे ईटीआर फोर्सेस का रश ना था, वह पता है यहाँ पे नॉकआउट कर सकते हैं, स्प्रे दिया लेकिन नहीं, दैट वॉज एनफ। डीके यहाँ पे कर देंगे फाइनल किल एंड 11 किल्स के साथ इस रैंकर को कॉकर कर दी गई हमारी टीम ईटीआर फोर्सेस। तो गाइस इसी के साथ हमारा मैच होता है ख़त्म, बहुत ही प्यारा गेम रहा, मतलब हमारे 4 मैचेस में हम क्या बताएं भाई, लोगों ने आग लगा दी। सैनॉक एनी रैंकर हो, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टीम ईटीआर फोर्सेस को विद दैट इनक्रेडिबल 11 किल्स चिकन डिनर गाइस। तो इसी के साथ गाइस हमारा मैच आज के जो शेड्यूल है वो आते हैं एंड पे, 4 मैच लगातार बहुत मेहनत करी यहाँ पे इन टीम्स ने गाइस। एक बार ह्यूज शाउट आउट टू ग्रिफिन ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बहुत ही प्यारा इन लड़कों ने संभाला PMGC कप जो कि सीज़न 2 है हमारा इस बार का, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा शाउट आउट ग्रिफिन टू ई स्पोर्ट्स को, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट करी। एंड बाकी सारी जितनी भी टीम्स थी उन्हें भी बहुत बहुत
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू गाइस डिड वेल, बहुत अच्छी खेली सारी टीम्स। तो इसी के साथ स्ट्रीम करते हैं डी एंड। बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रीम पे बने रहने का। आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड में भी ऑल नो क्या ही हालत हुई है। तो माँ बाप का ध्यान रखो एंड खुश रहो, बाकी अपना मिलता जुलता रहता रहेगा। चलो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे आपसे अब फाइनल्स में। I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I